औरत जिसे हमेशा से इज़्ज़त आबरू और मतह हयात न सिर्फ समझा जाता रहा है बल्कि उसकी खातिर ज़माने और ज़ात में कई इनकलाबाद भी बरपा रहते आए हैं अफसोस के हर दौर में औरत का इस भी उसी तरह जारी रहा हमेशा से बेबसी ताकतवर तबके की बेहिसी के आगे हारती रही और इज्जत के जनाजे और इज्जत के जनाजे निकलते रहे क्योंकि कानून तोंदा होता है लेकिन कानून के रखवाले हरगिज अंधे नहीं होते जैसे कि मलक सफदर ने हमेशा आंखें खोलकर न सिर्फ मुजरमाना सरगर्मियों पर नजर रखी बल्कि मुजरमों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। जेर नज़र कहानी भी इन्हीं पेचो कम पर मुशतमिल है इज़्ज़त के ब्यौपारियों का इब्रत असर वाक्य मलक साहब की मारकार आई असल मैं हूँ साधिया आप देख रहे हैं साधिया की लाइब्रेरी तो नाजरीन जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो हसपे रवायत चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा तो आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का जिसका नाम है माले इस थाने का बाबा आदम ही निराला था कोई भी ईमानदार थाना इंचार्ज वहाँ पर ज्यादा अरसे टिक नहीं पाता था चंद दिनों या चंद हफ्तों या फिर ज्यादा से ज्यादा चंद माह के बाद उसका महकमा जाति ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और या फिर उसके लिए ऊपर से मतली के अहकाम आ जाते थे इस दिलचस्प मगर फिक्र अंगेज़ पस मंजर रखने वाले वस्ती पंजाब के एक दूर उफ्तादा थाने को मैंने माह जुलाई की इब्तदाई तारीखों में ज्वाइन किया था उस थाने के हालात वाक्यात के बारे में मुझे गहरी वकफियत हासिल नहीं थी बस मैंने उड़ती उड़ती चंदनी खैज कहानियाँ सुन रखी थी हकीकत से मेरा पला उस वक्त पड़ा जब मैंने वहाँ पहुँच कर थानेदारी की कुर्सी संभाली इब्तदाई तारुफ के लिए मैंने थाने के स्टाफ को अपने कमरे में बुला लिया वह थाना चलाने के लिए मुझे छह कॉन्स्टेबल्स और एक हवलदार दिया गया था थाने से नज़दीकी गाँव का नाम गाजी नगर थाने से लगभग दो मील की दूरी पर वाक़ था मेरे मिले के दो कॉन्स्टेबल्स अशफाक और रफ़ी का ताल्लुक गाजी नगर ही से था दीगर चार कॉन्स्टेबल्स के नाम अलिल तरतीब वहीद तोाहिद और फरीद थे जबकि हवलदार का नाम बरकत अली था मलक साहब आपके बारे में सुना है आप बड़े फ़र्शनास और ईमानदार इंसान हैं रस्मी लैक स्लैक के बाद हवलदार बरकत अली ने मुझसे मुखातिब होते हुए मोहतात अंदाज में कहा तुमने ठीक सुना है बरकत अली मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया फिर पूछा क्या एक पुलिस ऑफिसर को ईमानदार और फर्शनास नहीं होना चाहिए मेरे तीखे सवाल पर वह गड़बड़ा कर बोला मेरा मतलब ये नहीं था मलक साहब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ बरकत अली के तुम्हारा मतलब क्या था मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इनकशाफ अंगेज लहजे में कहा दरअसल तुम्हारा इशारा उन मोतलियों और तबादलों की जानिब है जो ईमानदार और फर्श शनास पुलिस अहलकारों का नसीब बना दी गई थी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस थाने की हिस्ट्री से बखूबी आगाह हैं हवलदार ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा बखूबी तो नहीं मगर थोड़ा बहुत समझ लो मैंने बारी बारी इन बार्दी सात अफराद की तरफ देखते हुए मन खैज़ अंदाज में कहा बाकी का ज़्यादा बहुत आप लोग मुझे बताओगे उन्होंने सवालिया नज़र से एक दूसरे को देखा फिर आ, बायक जुबान होकर बोले क्यों नहीं ज़रूर जनाब आप हमारे इंचार्ज हैं हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे सरकार आइंदा हाँ, एक घंटे तक हमारे बीच मुख्तलफ अमूर पर बातचीत होती रही मैंने वाजह तौर पर महसूस किया कि वो लोग मेरे सवाल के जवाब में इत्मीनान बख्श ताउन नहीं कर रहे थे वो मुझे जो कुछ भी बताते थे वो मुझे जो कुछ भी बताते थे उसमें एक हिचकिचाहट एक एहतराज शामिल था जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने अपनी जुबान खोल दी तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे ये हमारी पहली मुलाकात थी इसलिए मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला और इस मीटिंग के एहताम पर कहा एक बात तो तय है कि अगर इस इलाके में किसी ईमानदार थाना इंचार्ज को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा तो यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है जिसका ताल्लुक लाकानूनीत से है और इस मामले में किसी बहुत ही बासर शख्सियत का हाथ है जो अपना रास्ता साफ करने के लिए फ़र्श शनाज थानेदार को यहाँ टिकने नहीं देता और अपने ताल्लक़ को इस्तेमाल करके वो उसका तबादला या मतली करवा देता है मैंने अपनी बात मुकम्मल करके सिर्फ सारी नजर से उनकी तरफ देखा मुझे अपने स्टाफ के चेहरों पर ऐसे तसरात दिखाई दिए जैसे वो मेरी बात तो समझ गए हों लेकिन उनकी ख्वाहिश हो कि मैं इस मौजू को इधर ही ख़त्म करके उन्हें खुरीदने की कोशिश ना करूँ मैं ये समझने से कासिर था कि वो लोग इस कदर सहमे हुए और खौफजुदा क्यों थे इस इलाके का सबसे ताकतवर शख्स कौन है मैंने उनकी जानिब देखते हुए दरियाफ्त किया जनाब वो तो अपने खांस साहब ही हैं रफीक जल्दी से बोला मैंने पूछा कौन हामदरी खान साहब हामद अली खान अशफाक ने बताया रफीक और अशफाक का ताल्लुक मौजा गाजी नगर से था मेरे मजीद इस के जवाब में उन्होंने मुझे जो मालूम फ्राहम की उसका खुलासा कुछ इस तरह था हामिद अली ख़ान मोजा गाजी नगर का मुतलकल अनान सरदार था जो अपने मिजाज में खुदसर और ख़ुद मुख्तार था गांव का कोई भी वसनिक उसे नज़र मिलाकर बात नहीं करता था उसके रूबरू जाने वालों की गर्दनें झुकी रहती थी गाजी नगर और इसके गिद्दोनवा की सारी ज़रियी अराजी हामिद खान ही की मलकियत थी गाँव में बसने वाला कोई भी शख्स जमींदार कहलाने का अहल नहीं था क्योंकि किसी के पास भी अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं थी वह गाँव लगभग एक सौ घरों पर मुश्तमिल था और वहां बसने वाले अफराद की तादाद कमोबेश वेस चार सौ थी देखिए उन चार सौ में मोहतरम और कबल इज़्ज़त सिर्फ चार अफराद थे यानी हामिद अली खान उसकी बीवी लैला खानम और उनकी दो औलादें शजेब खान और हुसन बानो बाकी के तकरीबन तीन सौ छियानवे अफराद की हैसियत खदमत गारों की बल्कि गुलामों ऐसी थी जो खान बहादुर की जरियी एराजी फलों के बाग़ात और कारहाने में सख्त मजदूरी करके अपनी गुजर बसर किया करते थे उनमें ज्यादा अहमियत उन लोगों की थी जो हामिद खान की हवेली में काम करते थे या फिर उसकी जमीनों बाग़ात और कारहाने के मामलों को देखते थे मुझे ये भी बताया गया कि हामिद खान के बड़े बड़े सरकारी अफसरों से गहरे ताल्लुक हैं जिनमें से अक्सर खान साहब से मिलने उनकी हवेली आते रहते हैं वगैरह अशफाक और रफीक की हामिद खान के हवाले से मालूम के अंदर मेरे सवाल का जामिया जवाब मौजूद था मैंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी और गहरी संजीदगी से कहा भाई तुम्हारे खान हाँ साहब तो बड़े दिलचस्प इंसान हैं ऐसे ठुस्सेदार लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है तुम लोग कब मुझे ख़ान बहादुर से मिलवा रहे हो आप जब हुक्म करें साहब रफ़ीक ने इस तरारी लहजे में कहा अभी मैंने इस थाने का नया नया चार्ज संभाला है मैंने ठहरे हुए अंदाज़ में कहा जरा मैं फ़ाइलों वगैरह का जायज़ा ले लूँ इसके बाद चलें कि ख़ान हाँ साहब के पास ठीक है जनाब रफ़ीक ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा आपका जब भी इरादा हो मुझे बता दीजिएगा मैं आपको खुद लेकर चलूंगा मुझे थाने के मामला को देखने और समझने के लिए दो चार रोज़ दिन रात काम करना होगा मैंने पुरा ख्याल अंदाज में कहा इन श्ला खान साहब से मुलाकात अगले हफ्ते होगी फिर मैंने हवलदार बरकत अली को अपने पास रोक कर बाकी सबको को रुख्सत करते हुए ब आवाज़ बुलंद कहा तुम लोग कमर कस लो मैं खुद आराम से बैठता हूँ और ना ही अपने अमले को सुकून की सांस लेने देता हूँ और मेरे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है लम्हाती तो करके मैंने रफीक की जानब देखा फिर उन अल्फाज में इजाफा कर दिया भई फ़र्ज से गफलत बरतना बेईमानी के लिए राजी हो जाना और गुलामी का तो गले में डाल लेना तो मेरे मिजाज और फितर से लगा नहीं खाता लिहाजा कुछ नहीं कह सकता कि कब मेरी मतली या तबादले का परवाना आ जाए कॉन्स्टेबल के जाने के बाद मैंने हवलदार से पूछा बरकत अली तुमने मेरे आखिरी जुमरे पर गौर किया बरकत अली की उम्र पैंतालीस साल थी वह एक फरबा अंदाम मगर मुस्तैद पुलिस एहलकार था उसके गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत खेलती रहती थी अगर किसी शख्स को यह मालूम ना हो कि वह पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है तो अवामी लिबास में उसे देखने के बाद यकीन करने को तैयार नहीं होगा कि बरकत अली हवलदारी करता है लेकिन उसके चेहरे के तसुर के बरक्स वह एक सख्त घर पुलिस अहलकार था मेरे इस के जवाब में वो बोला ची मलक साहब मैंने गौर किया तो फिर क्या इरादा मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा इरादा वो उलझन जदा नजर से मुझे तकने लगा क्या तुमने ये मुहावरा सुन रखा है मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की सौ साल जिंदगी से बेहतर होती है जी सुना तो है वह हिचकिचाहट अमेज लेजे में बोला मगर समझ में नहीं आ रहा कि इससे आपकी मुराद क्या है गले सड़े बदबूदार बेईमानी और गुलामी के माहौल में जिंदगी गुजार कर रिटायर होना है या मेरा साथ देकर किसी और थाने में तबादला करवाना है मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रहा सिर्फ पूछ रहा हूँ इसलिए कि अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना तुम अपनी मर्जी का फैसला करने के लिए आज़ाद हो मुझे सोलह आने सही मालूम होना चाहिए कि मेरे थाने का हवलदार मेरे साथ खड़ा है या उसकी वफादारियाँ किसी गलीज इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं तुम जो भी जवाब दोगे मैं उसका किसी से जिक्र नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ मेरा रवैया भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा हमारी यह गुफ्तगु इधर ही खत्म हो जाएगी मेरी बात समझ रहे हो ना जी वो सर को इस बात ही जुम्बश देते हुए बोला चंगी तरह समझ रहा हूँ मलक साहब अगर समझ रहे हो तो आज रात ठंडे दिलो दिमाग के साथ मेरे सवाल पर गौर करना मैंने अंदाज में कहा कल किसी वक्त चुपके से मुझे अपने जवाब से मुतला कर देना ठीक है जनाब उसने कहा मैंने पूछा क्या मेरे क्वार्टर की सफाई हो गई जी वो मैंने आपकी आमद से पहले ही करवा दी थी उसने बताया अगर आप कहें तो आपका सामान किसी बात क्वार्टर में अगर आप कहें तो आपका सामान किसी के हाथ क्वार्टर में पहुंचा देता हूं हाँ जरूर मैंने कहा अक्सर बेशर मेरी तैनाती मेरे घर से दूर दराज के इलाकों में होती रही है लिहाजा मेरा क्यामो तो आम थाने के पहलू में या थाने के पिछवाड़े बने हुए सरकारी क्वार्टर ही में हुआ करता था उस थाने की इमारत के हिस्से में भी एक क्वार्टर बना हुआ था जहाँ मुझे रिहाइश इख्तियार करना थी कितने दिन महीने या साल ही एक पुरेसरार और पेचीदा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था सिवाय वक्त के कांस्टेबल अशफाक ने मेरा सामान क्वार्टर तक पहुँचाया था जब मैं अपने कमरे से उठकर क्वार्टर की तरफ गया तो अशफाक भी मेरे साथ चल पड़ा मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था मैं रुके बगैर उसे पूछा क्या बात है अशफाक तुम खाद से उलझे हुए लग रहे हो मलक साहब मैं आपकी खिदमत में कर्ज करना चाहता हूँ वो बड़ी आजजी से बोला अगर आपकी इजाज़त हो तो पहली बात तो यह है कि मेरी कोई खिदमत आलिया नहीं जिसमें शरफे बार याबी के लिए किसी दरखास्त की ज़रूरत हो मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा दूसरी बात यह है कि मुझसे कहने के लिए इजाजत हासिल करना जरूरी नहीं है जब तक मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो हम दोनों पुलिस अहलकार हैं हमें हर हाल में कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है राह में कोई भी अहदा छोटा या बड़ा नहीं है जनाब मुझे अपनी भांझी के सिलसिले में आपसे बात करना है वो मस्किन सी सूरत बनाकर बोला मैंने कर उसकी तरफ देखकर पूछा क्या हुआ तुम्हारी भांजी को वो कुछ नहीं मलक साहब उसने नफी में गर्दन हिलाई और वजाहत करते हुए बोला रानी बहन की इकलौती औलाद है अगर आप थोड़ा ख्याल कर लेंगे तो मेरी बेवा बहन जुलेहा का कुछ भला हो जाएगा बाकी आपकी मर्जी है मैंने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए इस्तेफसार किया तुम मुझसे किस किस्म का ख्याल रखने की तो कर रहे हो जिना मैं चाहता हूँ मेरी भाजी याबि उर्फ रानी आपके क्वार्टर की सफाई और आपके लिए खाना वगैरह पका दिया करे उसने कहा इस तरह आपको एक आसानी हासिल हो जाएगी और मेरी बेवा बहन बेचारी की थोड़ी माली मदद हो जाएगी उन माँ बेटी का कोई कमाने वाला नहीं है मैं अपनी तरह में से कुछ मदद कर देता हूँ अगर आप रानी को इस खिदमत का मौका देंगे तो आपकी नवाजिश होगी मलग साहब रानी अमूरे खानादारी की माहिर है और बहुत लजीज खाना पकाती है ठीक है तुम कल किसी वक्त रानी को मुझसे मिलवा देना मैंने कहा मैं उसका मुतासर सा इंटरव्यू करूँगा फिर उसे काम पर रख लूँगा वो मेरा शुक्रिया अदा करके वापस चला गया ये एक हकीकत है कि महकमा जाती फ़राज़ की अदायगी के सिलसिले में जब इंसान अपनी फैमिली से दूर होता है तो सब कुछ मैसर होने के बावजूद भी वो घर के आराम को तरसता है खसूस घर का खाना उसे बेतरह याद आता है मैं किसी थाने के क्वार्टर में रिहाइश के दौरान में अपने बेशर काम खुद ही कर लिया करता हूँ ज़्यादा ज़्यादा ये कि यूनिफॉर्म धोबी से धुलवा ली इस सूरत हाल में कॉन्स्टेबल अशफाक के आइडिया में मुझे कोई कबाहत नजर न आई अगर रानी वाक़ता सफ़ाई धुलाई और खाना बनाना जानती थी तो माली मदद करने में कोई हर्ज नहीं था रोजगार अगली सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला दो अफराध मुझसे मिलने आए हुए हैं मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा ये कौन लोग हैं और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं मलक साहब उनमें से एक का नाम रियाज और दूसरे का नाम यूसुफ है कांस्टेबल ने जवाब दिया वो दोनों मौजा जामनपुर से आए हैं कह रहे हैं कि वहाँ पर नहर में किसी लड़की की लाश मिली है जब मैं बरामदे से गुजर कर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने चौबी बेंच पर दो अजनबी अफराद को बैठे देखा था यकीन वो रियाज और यूसफी ही थे मौजा जामनपुर लगभग तीन मील के फासले पर मगरब में वाक़ था और ये गाँव मेरे थाने की हदूद में आता था उन दोनों को मेरे पास भेज दो तो। मैंने कॉन्स्टेबल से कहा आइंदा दस मिनट में रियाज और यूसफ की जुबानी मुझे जो मालूम हासिल हुई उनका खुलासा कुछ इस तरह था आज सुबह हंसपे मामूल करामत अली उर्फ करमू चाचा मछलियां पकड़ने नहर पर गया करमू एक पेशावर मछेरा था और रात को वो नहर में पुल के नजदीक अपना जाल डाल आता था उस मकाम पर पुल से गुजरते हुए पानी कटकर एक जगह जमा हो जाता था जो पानी के साथ बै कर आने वाली मछलियों के लिए एक उम्दा पना गा थी करमू नहर के उसी हिस्से में जाल फैलाकर डालता था फिर अगली सुबह जब वो धीरे धीरे जाल समेटता तो उसका स्याह चेहरा खुशी से दमक उठता क्योंकि उसके जाल में दर्जनों मछलियाँ फड़कती नजर आती थी उन दिनों तो वैसे भी बारिशों का आगाज हो चुका था उस मौसम में नहर खूब भर कर चलती थी लिहाजा मछलियों की तादाद भी आम दिनों की बनस्बत बहुत ज्यादा हुआ करती थी कर्मु ने आज सुबह नहर पर पहुंच कर जब अपना जाल खींचने का आगाज किया तो पुल के सतून के नजदीक दिखाई देने वाली एक शह ने उसकी तवज्जो अपनी जानी मबजूर कर ली उसे उसे यह समझने में कतर कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो किसी इंसान की लाश थी उसने अपने काम को वहीं छोड़ा और नहर के किनारे पर खड़े होकर चिल्लाने लगा आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों ने उसकी पुकार पर तवज्जो दी और अपना काम छोड़कर कर वो कर्मों के पास पहुंच गए आइंदा पंद्रह बीस मिनट में उन लोगों ने उस इंसानी लाश को नहर से बाहर निकाल लिया जब भी पता चला कि वो एक जवान जान लड़की की लाश थी इसके बाद बाहमी मुशावरत से उन लोगों ने रियाज और उन लोगों ने रियाज और यूसफ को इस वाक्य की इतला देने थाने भेज दिया था तुम दोनों जामिनपुर के रहने वाले हो उनकी बिपता सुनने के बाद मैंने सवाल किया जी थानेदार साहब वह बैक जुबान होकर बोले फिर तो तुम उस बदनसीब लड़की को अच्छी तरह जानते हो जिसकी लाश करमू मछेरे ने दरियाफ्त की है नहीं सरकार रियाज ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया यूसुफ रियाज की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला वो लड़की हमारे गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती वह नहर में बहकर कहीं और से आई है जिस नहर का जिक्र हो रहा था उसका बहाव मशिक से मगरब की सिमत था मौजा जामनपुर मेरे थाने से मगरब में तीन मील के फासले पर वाकया था और बीच में कोई और गाँव भी नहीं पड़ता था मेरे थाने से मशिक में दो मील की मसाफियत पर मोजा गाजी नगर था उसका मतलब या तो गाजी नगर की रहने वाली थी और या फिर उससे भी पीछे बहाद्र से उसका ताल्लुक था मौजा बहाद्र मेरे थाने से आठ मील और गाजी नगर से छह मील दूर मशिक में वाक़ था मैंने कॉन्स्टेबल को अपने साथ लिया एक तांगे में सवार होकर नहर के किनारे कच्चे रास्ते पर चलते हुए मोजा जामिनपुर पहुंच गया और फिर जाय बकुआ का रुख किया पुल के नजदीक नहर किनारे एक चारपाई पर उस नामालूम लड़की की लाश को रख कर चादर से ढांप दिया गया था मोजा जामिनपुर वालों की यह कार्रवाई मुझे पसंद आई मौका पर लगभग लग लग चालीस अफरा मौजूद थे जिनमें मर्दोजन की तादाद कमो बेश एक जैसी थी मैं तांगे से उतर कर चारपाई की जानी बढ़ा तो वो लोग पीछे हट गए मैंने इतला कुनंदगान रियाज और यूसुफ को अपने साथ रखा और चारपाई के पास पहुंच गया फिर मेरे हुक्म पर रियाज ने लड़की की लाश के चेहरे के ऊपर से चादर हटाई अगले ही लम्हे कांस्टेबल रफ़ीक के हलक से फंसी फंसी आवाज़ खारिज हुई अब मलक साहब यह तो रुखसाना है इस हमारे में किसी शक की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि कांस्टेबल रफीक ने उस मुर्दा लड़की को पहचान लिया था मैंने मस्कूरा लड़की के लिए मुर्दा का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरी तजुर्बेकार ने पहली झलक ही में अंदाजा लगा लिया था कि चारपाई पर पड़ी इस बेसुद्ध लड़की को

खुदकशी की थी या किसी ने उसे मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंक दिया था ये मुझे मालूम करना था मैंने लाश के ऊपर से चादर को पूरी तरह हटा दिया जो कर बगौर रुखसाना की लाश का मुआयना करने लगा रुखसाना की उम्र कमो बेश बीस साल रही होगी वह पुरकशिश नकोश की हामिल एक खूबसूरत लड़की थी उसके बदन पर पूरा लिबास मौजूद था अलबत्ता दुपट्टा कहीं नज़र नहीं आ रहा था उसके जिसम के खुले हुए हिस्सों मसलन दोनों हाथ पाँव चेहरे और गर्दन पर मुझे कोई ऐसा निशान दिखाई नहीं दिया जिससे ये पता चलता के ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो मैंने उसके सर का भी अच्छी तरह मुआना किया वहाँ भी मुझे किसी चोट का निशान नजर नहीं आया रुखसाना नमी हसीन मकर बदकस्मत लड़की की मौत का सबब क्या था उसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकता था कर्मु मछेरा भी जाय कुआ पर मौजूद था मैंने उससे भी मुख्तलिफ सवाल किए मगर कोई नई बात सामने ना आ सकी करमु ने मुझे जो कुछ बताया वो रियाज और यूसफ की ज़ुबानी मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कर्मों से रंगत का मालिक एक दुबला पतला अधेड़ उम्र शख्स था मैंने कर्मों की मैयत में उस जगह का भी तफी जायजा लिया जहाँ कर्मों ने पहली मरतबा रुकसाना की लाश को रुके हुए पानी के अंदर तैरते देखा था ये मकाम दरअसल नहर के किनारे और पुल के कोने के मिलाप से बनने वाली एक छोटी सी जगह थी जहाँ पानी का भाव न होने के बराबर था नहर के किनारे से पानी तक पुख्ता सीढ़ियाँ बनी हुई थी गाँव की औरतें सुरख ईंटों की इन सीढ़ियों पर बैठ कपड़े धोया करती थीं रुखसाना की लाश नहर के अंदर तैरते हुए वहां तक पहुंची थी और फिर इस गैर मुतहरक पानी में फंस कर रह गई थी लाश की शनाख्त कांस्टेबल रफीक ने कर दी थी अब जामनपुर में मेरा कोई काम नहीं था लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिली अस्पताल भिजवाना जरूरी था और मजकूरा अस्पताल तक जाने के लिए मेरे थाने के सामने से गुजरना पड़ता था क्योंकि वही नीम पुख्ता सड़क जिले अस्पताल तक पहुंचाती थी चुनाचा में रुखसाना की लाश को तांगे में डालकर थाने ले आया मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले रुखसाना के बाप को उसकी एक झलक दिखाना चाहता था लिहाजा मैंने कॉन्स्टेबल रफ़ीक से कहा रफ़ीक तुम जल्दी से जाकर इब्राहिम को यहाँ ले आओ ठीक है मलक साहब वो फर्मा बरदारी से बोला लेकिन देर नहीं होना चाहिए मैंने ताकीदी लहजे में कहा मौसम गर्म है और हवा बिल्कुल बंद लाश को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता जी मलक साहब मैं समझ रहा हूँ वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला रफीक के जाने के बाद मैंने कॉन्स्टेबल वहीद को अपने कमरे में बुलाकर कहा लाश को तुम अस्पताल लेकर जाओगे इस सिलसिले में जो भी तैयारी करना है रफ़ीक की वापसी से पहले कर लो मैं तुम्हें पेपर्स बता देता हूँ वहीद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो लाश को अस्पताल भिजवाने के लिए बिल्कुल तैयार है मैं जब हुक्म दूंगा वो चल पड़ेगा वहीद बड़े ठंडे मिजाज का बंदा था उसकी उम्र तीस साल के करीब रही होगी वह दराज कामत और दुबला पतला शख्स था उसके सर के बाल कंगराले थे वही दीगर कॉन्स्टेबल से मुख्तलिफ था वहीद मेरे कमरे से निकला तो अशफाक अंदर आ गया मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ़ देखा तो वो लजाजत भरे लेचे में बोला मलक साहब मैं रानी को ले आऊँ आप आज सुबह ही जामनपुर चले गए थे इसलिए आपसे मिलवा नहीं सका तो क्या तुम्हारी भांजी वापस गांव चली गई है मैंने पूछा नहीं जी मैंने उसे रोक कर रखा हुआ है वो जल्दी से बोला रात को अपने साथ ही ले जाऊंगा तो ठीक है ले आओ उसे मैंने कहा थोड़ी देर में वो एक चौदह पंद्रह साल की पस्ता कामत लड़की के साथ मेरे पास आ गया लड़की ने मुझे सलाम किया मैंने उसके सलाम का जवाब दिया अशफाक ने कहा मलक साहब ये मेरी भांजी रानी है रानी मासूम सूरत वाली एक भोली भाली दुबली पतली लड़की थी मैंने उसे पूछा तुम क्या क्या काम कर लेती हो जी झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब कर लेती हूँ उसने बताया और मुझे खाना बनाना भी आता है मामा अशफाक ने बताया कि बस मुझे यही काम करना होंगे बात के अहता पर रानी ने अशाक की तरफ़ देखा और वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला मलक साहब आप रानी के कद काट और जसामत पर ना जाएं इसके अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं मुझे यकीन है कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी वो तो ठीक है लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ मैंने कहा तुम्हारा गांव यहाँ से दो मील की दूरी पर है ये रोजाना आए जाएगी कैसे पैदल आएगी जनाब वो बड़े एतमाद से बोला आठ दस मील पैदल चलना तो रानी के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता फिर उसने मिन्नत रेज लेजे में कहा मलिक साहब आपकी मेहरबानी से इस बच्ची को रोजगार मिल जाएगा तो मेरी बहन के घर में थोड़ी खुशहाली आ जाएगी बस इतनी सी मेहरबानी कर दें मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया ठीक है अशफाक तुम अपनी भांजी को एक दिन छोड़कर काम पर बुला सकते हो मतलब ये कि रानी एक दिन काम करने आएगी और एक दिन छुट्टी करेगी ये ठीक है वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला वैसे भी आपके क्वार्टर का, का काम कोई ज़्यादा नहीं है ये सुबह की आई दोपहर तक सब निपटा दिया करेगी तुम रानी को बाहर बिठाकर मेरे पास आओ मैंने मानी अंदाज में कहा मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करना है वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए कमरे से निकल गया और दो मिनट बाद वापस आकर गहरी संजीदगी से बोला जी मलुक साहब हुक्म करें मैं जमनपुर से जिस लड़की की लाश लेकर आया हूँ उसे तुम यकीन जानते हो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा रफीक ने मुझे बताया कि उसका नाम रुखसाना है और वह गाजी नगर के एक वसनेक इब्राहिम की इकलौती बेटी है रफीक ने आपको बिल्कुल ठीक बताया मलक साहब कांस्टेबल अशफाक ने गंभीर अंदाज में जवाब दिया मैंने भी थोड़ी देर पहले रुखसाना की लाश को देखा उसका बाप खान साहब के बागात में काम करता है और रुखसाना अपनी माँ शहनाज के साथ खान साहब के कारहाने में काम करती थी ये तुम्हारे खान साहब ने किस चीज़ का कारहाना खोल रखा है मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा जनाब वो कारहाना दरअसल एक चार दीवार के अंदर बने हुए चार बड़े कमरों पर मुश्तमिल है वो वजाहत करते हुए बोला जहाँ पर चावल गंदम और दीगर अनाज की छड़ाई की जाती है मतलब यह है कि फसल की बालियों में से दाना अलग किया जाता है फिर उसे कमरों में महफूज कर लिया जाता है यानी बोरियों में भरकर इसके बाद खान साहब इस अनाज को ट्रॉली में भरकर कर गला मंडी रवाना कर देते हैं फसल की बालियों में से दाना निकालने का काम गाँव की औरतें और जवान लड़कियां करती हैं कॉन्स्टबल अशफाक की बात मेरी समझ में आ गई आज कल जो काम जदीद जरिय आला मसला थ्रेशर और शेलर नामी मशीनों से किया जाता है वो सत्तर अस्सी साल पहले इंसानी हाथ अंजाम दिया करते थे दाने को खोल बाली से अलग करने के लिए फसल के मुठों को झटका पटका और फटका जाता था ये खासा मेहनत तलब काम था साइंस की एजदात ने इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हामिद अली खान के दो बड़े कारोबार हैं मैंने ठहरे हुए लेजे में कहा जई जमीन पर मुख्तल फसलें उगाना और बाग़ात में फल पैदा करना फिर इन अजनास को गला मंडी और सब्ज़ी मंडी तक पहुँचा कर पैसा कमाना और इस तमाम तर काम के लिए गाजी नगर के मर्द और औरतें खान बहादुर के गुलामों के तौर पर जान तोड़ मेहनत करते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है वह सर को इस बातें जुम्बश देते हुए बोला और इसके बदले में ख़ान साहब हर शख्स को साल भर का अनाज देते हैं और कुछ रकम भी ताकि वो लोग इस नकदी से कपड़ा लत्ता और दूसरी चीज़ें ख़रीद सकें और ख़ान साहब के बाग़ात में अमूमी तौर पर कौन से पाल उगाए जाते हैं मैंने दिलचस्पी भरे लेजे में पूछा आम अमरूद माल्टा कीनू जामुन वगैरह उसने जवाब दिया आजकल आम की फसल बिल्कुल तैयार है बल्कि यूं समझे कि आम का सीजन एहतमी मरहल में दाखिल हो चुका है और जामुन की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है पिछले ज़माने में तमाम फल दरख्तों पर ही पका करते थे आजकल की तरह उन्हें कच्चे उतार कर कार्बोइ्रेट की मदद से नहीं पकाया जाता था एक बात मेरी समझ में नहीं आई अशफाक मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए सवाल किया जब गाजी नगर के किसी वसनिक को रोजगार की कोई कमी नहीं हर मर्द और जन हामिद के किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो फिर तुम्हारी बेवा बहन सुलह और भाजी रानी के लिए मुश्किल क्यों हैं ये लोग भी हामिद के बाग़ात करहाने या खेतों में काम क्यों नहीं कर लेती मलक साहब बात दरअसल यह है कि सुलह बहुत ज्यादा बीमार रहती है वो मतदल अंदाज में बोला उसके अंदर इतनी जान नहीं कि वो खेतों में या करहाने में दिन भर काम कर सके और जहाँ तक रानी का मामला है तो वह साँस संवार करने के लिए थमा फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला रानी जुल्हा की देखभाल और घर के दिग्गर तमाम काम भी करती है मैं रानी को आपकी खिदमत पर इसलिए मामूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है वो दोपहर तक सब निपटाकर वापस चली जाएगी और आपने तो उसे एक दिन आने और एक दिन छुट्टी करने की सहूलत भी दे दी है इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रख सकेगी जबकि अगर उसने खान साहब के यहाँ काम करना शुरू कर दिया तो सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक उसे कारखाने में या खेतों में कड़ी मेहनत करना पड़ेगी जिसके नतीजे में वो दोनों माँ बेटियाँ रुल जाएंगी मलक साहब अशफाक की वजाहत ने मुझे मुतमिन कर दिया मैंने उसे कहा तुम अपना अच्छा बुरा ख़ुद ही सोच लो मैंने तुम्हारी भांजी को अपने काम पर रख तो लिया है अगर उस पर ख़ान साहब को कोई एतराज़ हुआ तो तुम खुद ही उनसे निपटोगे जी आप उसकी फ़िक्र ना करें वो बड़े वसूख से बोला मैं रानी के सिलसिले में खान साहब से ख़ुद बात कर लूँगा रुखसाना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने मौजू बदलते हुए सवाल किया जी मैं समझा नहीं मलक साहब उसने का जायजा लेते हुए किनारों तक भर कर चल रही है पानी की रफ्तार का मवेश पांच मील फी घंटा या उससे भी कुछ ज्यादा ही होगी गाजीनगर और जामिनपुर के बीचों बीच पांच बीच पांच मील का फासला है गाजीनगर और जामिनपुर के बीच पांच मील का फासला है इसका मतलब ये हुआ कि रखसाना की लाश को पिछली रात के आखिरी पैर में सपुरतः नहर किया गया था तुम इस बारे में क्या कहते हो मलक साहब आपने जो हिसाब लगाया वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है वाजदी अंदाज़ में गर्दन हिलाते हुए बोला लेकिन ये तो हो सकता है कि रुखसाना की मौत में किसी इंसान का हाथ ना हो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रुखसाना की मौत में किसी इंसान का हाथ ना हो उसने अपनी किसी परेशानी के हाथों मजबूर होकर खुदकशी कर ली हो खुदकशी का इम्कान बहरहाल मौजूद है मैंने कांस्टेबल की बात से तफाक करते हुए कहा मैंने रफीक को गाजी नगर भेजा ताकि के बाप इब्राहिम को थाने लेकर आए उसे के बाद हो सकता है कोई काम की की बात सामने आ जाए वैसे मैं की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा रहा हूँ फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा मलक साहब व तो संजीदा लहजे में बोला मैंने तो ठीक ही सोचा मैंने मतदल अंदाज में कहा तुम भी अपने दिमाग को थोड़ी जहमत देने की कोशिश करो रुखसाना तुम्हारे गाँव से ताल्लुक रखती है मैं चाहता हूँ तुम उसकी मौत का सबब तलाशने में लग जाओ और ये काम तुम गाज़ी नगर के अंदर रहकर ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हो जी ठीक है वो फर्मा बरदारी से बोला मैं कल ही से इस मुहिम पर लग जाऊंगा कल नहीं आज ही से बल्कि अभी से क्योंकि मेरी डिक्शनरी में कल एक शराब है जो भी करना है आज ही कर डालो कल का क्या भरोसा आए ना आए मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा तुम अभी रानी के साथ गाजी नगर रवाना हो जाओ और सुन गुन लेने की कोशिश करो कि रुखसान के साथ दर हकीकत क्या वाक़ पेश आया है मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए ये काम ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा मैं समझ गया मलक साहब और बड़े अहतमान से बोला फिक्र न करें मैं कल सुबह आपको पक्की रिपोर्ट दूंगा शाबाश मैंने नज़र से उसकी तरफ देखा वो मुझे सैल्यूट मारने के बाद रुखसत हो गया सावन की आमद में चंद रोज बाकी थे लेकिन बारिशों ने माहौल के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी थी अभी तांता बंद कर बर का आगाज नहीं हुआ था ताहम रोजाना किसी वक़्त भी घंटे दो घंटे के लिए मी अपनी बाहर दिखाकर बरखा की आमद का ऐलान कर दिया करता था आज सुबह ही से शदीद गर्मी और हबस था लेकिन दोपहर तक आसमान पर काली कटाओ ने डेरे डालना शुरू कर दिए थे जिसका एक ही मतलब था कि अब तब में लिहाजा रफीक जैसे ही रुखसाना के बाप को लेकर आया मैंने इब्राहिम को उसकी बेटी का चेहरा दिखाकर सबसे पहले लाश की शिनाख्त कराई फिर रुखसाना की लाश को कांस्टेबल वहीद के साथ जिली अस्पताल भिजवाने के बाद इब्राहिम को लेकर अपने कमरे में आ गया इब्राहिम की उम्र पचास से मतजाविज थी वो आम सी सूरत का मालिक एक फरबा और पस्कामद शख्स था बेटी की लाश को देखकर वो बुझसा गया था मुझे उसके चेहरे पर दुख और गम की वो शिदत नजर न आई जो इकलौती बेटी की, की आंखों चेहरे पर दिखाई देती है मुझे यह समझने में कदन कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि इब्राहिम या तो बड़ा सबर वाला था और या फिर इंतहा मजबूर इतना बेबस कि अपनी अंदरूनी कैफियत को जाहिर करने की भी हिम्मत नहीं रखता था मैंने ताजियत भरे अल्फाज में रुखसाना की हसरतनाक मौत पर अपने दिली रंजो गम का इजहार करने के बाद इब्राहिम को सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा इब्राहिम तुम्हारी इकलौती औला थी मुझे बताओ उसके साथ क्या पेश आया था मैं कसम खाकर कहता थानेदार साहब वो आवास में बोला मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता मैं तो दो दिन से उसकी राह देख रहा था मेरी घर वाली भी सख्त परेशान थी हमें क्या पता था कि रुखसाना जान की बाजी हार जाएगी इब्राहिम की इस बात ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया मेरी मालूम के मुताबिक तुम हामिद खान के बागात में काम करते हो जबकि तुम्हारी बीवी शहनाज और रुखसाना उस कारखाने में काम करती थी जहाँ फसलों की छुड़ाई की जाती है फिर तुम दो दिन से रुखसाना की राह क्यों देख रहे थे उस कारखाने में काम करने वाली औरतों और लड़कियों को तो मगरब से पहले छुट्टी दे दी जाती है आपकी मालूम अपनी जगह दुरुस्त हैं थानेदार साहब व नमनाक लहजे में बोला आज मंगल का दिन है परसों यानी इतवार के रोज शहनाज जब घर आई तो रुखसाना इसके साथ नहीं थी मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज कारखाने में काम ज्यादा था इसलिए अधेड़ उम्र और बूढ़ी औरतों को तो छुट्टी दे दी गई है

उन औरतों और लड़कियों से भी पूछा जिन्हें रुखसाना के साथ में मजीद काम की से लिया गया था जी एक एक से जाकर पूछा था वो दुखी लहजे में बोला वो सब अपने घर पहुंच गई थी सिवाय दो लड़कियों के एक तो तुम्हारी बेटी रुखसाना मैंने एक बार फिर कथा कलामी की फिर सरसराती हुई आवाज़ में पूछा और दूसरी कौन दूसरी फरजाना जी उसने जवाब दिया फरजाना का बाप सिदी खान साहब के खेतों में काम करता है और उसकी बीवी आसिया फरजाना रुखसाना शहनाज के साथ कारखाने में काम करती हैं फरजाना के माँ बाप भी उसे पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे थे मगर वो भी हमारी तरह नाकाम ही रहे क्या तुम लोगों ने कारहाने जाकर वहाँ का निज़ाम संभालने वाले किसी बंदे से अपनी बेटी के बारे में दरिया नहीं किया था मैंने कहा सवाल किया जनाब कार के तमाम मामला को खान साहब का खास आदमी मंजूर उर्फ झूरा देखता है इब्राहिम ने जवाब दिया गांव में तलाश करने के बाद मैं और सदीक झूरा के पास गए थे मगर कोई फायदा नहीं हुआ जूरा ने बताया कि जिन औरतों ने लड़कियों को करहाने में रोका गया था वो सब चली गई थी फिर तुम लोगों ने क्या किया मैंने इस सरारी लहजे में किया करना क्या था सरकार वो मायूसी भरे लहजे में बोला हमने जाकर बड़े खान साहब को अपनी परेशानी से आगाह कर दिया हामिद खान साहब ने हमें तसली दी कि वो बहुत जल्द हमारी लड़कियों को तलाश कर लेंगे हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं फिर इसके बाद क्या हुआ मैंने तेज आवाज में पूछा कुछ नहीं सरकार वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला हम चुपचाप अपने घर आ गए और अपनी बेटियों की वापसी की राह देखने लगे मैंने पांच जुलाई ब रोज पीर अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और इब्राहिम और सदीक की बेटियाँ रुखसाना फरजाना उससे एक रोज पहले गायब हो गई थी यानी चार जुलाई ब इतवार की रात और आज छह जुलाई मंगल का दिन था और आज सुबह ही रुखसाना की लाश को दरियाफ्त कर लिया गया था फरजाना इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी इस बारे में कोई नहीं जानता था और मुझे उन दोनों बापों की हमाकत नुमा सादगी पर गुस्सा आ रहा था इसी कैफियत के इजहार में मैंने इब्राहिम से पूछा तुम्हारी बेटी को गायब हुए चालीस घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और तुम मुंह में घुघरिया डाले और कानों में रुई ठूसे अपने घर में बैठे सोने के अंडे देने की कोशिश में मसरूफ हो ये कहा की कल है इब्राहिम जनाब हमने बड़े हाँ साहब को सब कुछ बता दिया था वो अफसुदा लहजे में बोला इसे ज्यादा भला हम और क्या कर सकते हैं गाजी नगर से महज दो मील की दूरी पर यह थाना है मैंने तलखी भरे लहजे में कहा तुम अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने दर्ज कराने मेरे पास आ सकते थे और अपने साथ सदी को भी ला सकते थे

और नलायकियों की वजह से हासिल हुआ तुम लोग खुद अपनी तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हो मैं गुस्से में इब्राहिम को खरी खरी सुनाता चला गया और मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि वो चुपचाप मेरी तुरशो तुंद सुनता चला गया था उसने पलट कर मेरी किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया था जब इंसान अपनी इज्जत नफ्स अपनी हमीयत और अपने एहसास को गिरवी रखवा चुका हो तो फिर वो इब्राहिम बल्कि गाजीनगर के हर बासी की तरह केंचवे का मुतशक्ल दिखाई देने लगता है इब्राहिम को गुमसुम पाकर मैंने सपाट आवाज में पूछा क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि हाँ के कारखाने में कितनी खवातीन मजदूरी करती हैं लगभग पचास चुनाव उसने जवाब दिया और परसों यानी इतवार की शाम उनमें से कितनी को मजीद काम के लिए कारखाने में रोक लिया गया था दस को उसने पुरवसूक अंदाज में बताया जिनमें आठ शादीशुदा औरतें थीं और दो गैर शादीशुदा लड़कियाँ और वह दोनों लड़कियाँ तो यकीन गुमशुदा रुखसान फरजाना ही होंगी मैंने सवालिया नजर से उसे घूरा तो उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए मुतासरसा जवाब दिया जी हाँ मैंने कागज कलम संभालते हुए किया क्या तुम मुझे उन आठ शादीशुदा औरतों के नाम पते नोट करवा सकते हो जो चार जुलाई रोज इतवार आफिया से अपने घरों को पहुंच गई थी उसने चंद्र में खामोश रह अपने ख्याल को मुश्तमे किया फिर एक गहरी सांस हारिश करते हुए मेरे सवाल का जवाब दे दिया कुलसूम जुबैदा रिहाना बिल्किस अल्लाह रखी रहमत जैतून और नुसत गाजी नगर लगभग चार सौ अफराद की आबादी वाला एक मुतवसत गाँव था उसमें इन आठ औरतों से फरदन फरदन मिलकर उनके इंटरव्यूज करने में मुझे कोई दुश्वारी नज़र नहीं आ रही थी इलावा जी मुझे फरजाना के वालदेन आसिया और सदीक से भी कड़ी पूछताछ करना थी इब्राहिम मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैंने रुखसाना के बाप की आंखों में देखते हुए हासे जा रहा में कहा अगर तुम अपनी बेटी की गुमशुदगी और मौत के इसबाब से वाकिफ हो सब कुछ मुझे सच सच बता दो एक दो रोज़ में रुखसाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद कोई भी बात पोचिदा नहीं रहेगी तब अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे हकायक छुपाने की कोशिश की थी तो यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करूँगा मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम्हारी इकलौती जवान बेटी की मौत वाक़ हो चुकी है फिर तुम मुझसे किसी रू रियायत की उम्मीद नहीं रखना थानेदार साहब वह जिज्बिज होते हुए बोला मैं जो जानता था वो सब आपको बता दिया है आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें यह आपकी मर्जी है मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा था फिलहाल मैंने उसके साथ ज्यादा जोर ज़बरदस्ती न करने का फैसला किया उसे जाने की इजाज़त दे दी इब्राहिम रख्सत हुआ तो हवलदार बरकत अली मेरे कमरे में आ गया और मुझे सलाम करने के बाद इतला देने वाले अंदाज़ में बोला मलक साहब बारिश शुरू हो गई है बेशक बरसात अल्लाह की रहमत है बरकत अली मैंने गहरी सांस खारिश करते हुए कहा बस दुआ करो यह रहमत जहमत में न बदल जाए अल्लाह खैर करेगा मलक साहब वो मजबूत लहजे में बोला फिर इनकशाफ अंगेज अंदाज में बताया मैंने फैसला कर लिया है उसने आखिरी जुमला ऐसी बेसख्तगी से अदा किया था कि फौरी तौर पर मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया मैंने उलझन जिदा लेचे में पूछा आप कैसा फैसला बरकत अली आपका साथ देने का फैसला वो पुरजोश अंदाज में बोला मैं आपके साथ हूँ जनाब जो होगा देखा जाएगा वेरी गुड मैंने सतयशी नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा ये कड़ा फैसला करते हुए काफी मुश्किल तो पेश आई होगी नहीं मलक साहब वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़े तहमुल से बोला मैंने किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मशवरा कर लिया था मशवरा मैंने हैरत भरे लहजे में सिर्फ किया तुमने किस से मुशावरत किया बरकत अली अपने मालिक से जनाब वो खास तवाना लहजे में बोला ओह मैं गहरी सांस करके रह गया इसका मतलब है तुमने इस किया? जी मलक साहब वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला मैंने पूरे इश्त लहजे में दरिया किया तुम्हारे इस्ते में क्या हुक्म हुआ हक और सच का साथ दो तो। उसने बड़े अहतम से जवाब दिया मैंने इससे ये मतलब अखज़ किया है कि फर्ज शनास और ईमानदार पुलिस ऑफिसर मलक सफदर हयात का साथ दो मेरी नजर में आप ही हक और सच हैं जनाब बरकत अली मैंने टहरे हुए लहजे में कहा हक और सच सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है हाँ तो मुझे हक और सच का लंबरदार, एक मामूली सा गुनाहगार इंसान समझ सकते हो और अब तुमने भी परवर दिगार के इसलम को उठाने का काजम कर लिया गोया हम एक ही राह के मुसाफिर हो गए हैं मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा जो लोग हक़ और सच की जंग लड़ने मैदान में उतरते हैं उनकी कभी हार नहीं होती क्योंकि उनकी पुस्त पर हाल के काय की मदद होती है तुम्हारे इस फैसले से मुझे खुशी हुई है वो इस बात में सर हिलाकर आइंदा पंद्रह इब्राहिम से होने वाली अपनी गुफ्तगुओं से आगाह किया और आखिर में कहा अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो पूरे गाजी नगर को सिर्फ एक शख्स की दहशत ने अपनी जकड़ में ले रखा है और उस सहदगीर शख्स का नाम है हामद अली खान गाँव का कोई को वसनिक उसके को खिलाफ जुबान खोलने की जरूरत नहीं कर सकता आखिर उसने गाजी नगर के बाशिंदों पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है जनाब ये सारा खेल डर का है हवलदार ने जवाब दिया इस गाँव के लोग बेबस और लाचार हैं खान साहब ने जुल्म ज्यादती की इंतहा करके उनके दिलों और जहनों में अपना खौफ बिठा दिया वो इसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते माजी में अगर किसी ने ऐसी गलती की भी तो उसका ऐसा इबरतना कशर हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए इस वहशतजदा माहौल में गाँव वालों ने एक बात पल्ले बांध ली कि हामिद खान इस गाँव और गाँव में बसने वालों का वाली वारस और अनदाता है उसके सामने किसी ने कोई शिकायत नहीं करना उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ से हुक्म का दर्जा रखता है जिसकी हर हाल में तामील उन पर लाजिम है अब आप ही बताएं मुर्दा जहनों और अफसरदा दिलों के मालिक ये लोग हामिद खान के खिलाफ किस तरह कोई कदम उठा सकते हैं गोया हामिद ख़ान गाजी नगर का गॉड फादर बना हुआ है मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा ऐसे जबर के माहौल में बगावत के जज्बात बड़ी तेज़ी से नमो पाते हैं क्या गाजी नगर में कभी कोई आज़ादी की तहरीक नहीं चली या किसी नोयीत का कोई शदीद एहतजाज देखने को नहीं मिला नहीं मलक साहब वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला खान हाँ साहब का कंट्रोल कमाल का है उन्होंने गाजी नगर के हर बंदे की सोच को अपनी गिरफ्त में ले रखा है उनके खास मुलाजिम तजुर्बाकार जासूसों के मानद लोगों की हरकतों सकनात पर निगाह रखे हुए हैं अगर किसी के अमल या ख्याल से किसी साजिश या बगावत की बू महसूस हो तो ऐसे बंदे के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाता है जिसे देखकर बाकियों की आइंदा सात नस्लों को ये नसीहत हो जाती है कि कभी भूल कर भी हामिद खान उसकी फैमिली के खिलाफ नहीं सोचना गाजीनगर के वसनेकों का मामला एक तरफ रख कर मुझे बताओ मैंने हवलदार की आंखों में झांकते हुए सवाल किया हमारा थाना हामिद खान के सामने चाबी वाल वाला गुड्डा क्यों बन जाता है खान साहब के कई आला सरकारी अफसरों से दोस्ताना ताल्लुक हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में हामिद खान से मिलने हवेली आते रहते हैं वो वजाहत करते हुए बोला अगर इस थाने का इंचार्ज खान साहब के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो वो अपने तलुकत की ताकत को इस्तेमाल करके उसे मुतल करवा देते हैं या कम से कम उसका तबादला किसी और थाने में करवा देते हैं ऐसा कई बार हो चुका है देखो बरकत अली मैंने गहरी संजीदगी से कहा पुलिस अहलकारों का पहला और आखिरी काम कानून की बालादस्ती कायम करना है अगर पुलिस डिपार्टमेंट की अदायी फ़र्ज से खान साहब को कोई तकलीफ पहुँचती है तो उसका तो उसका एक ही मतलब है और वो ये कि हामिद खान किसी गैर कानूनी धंधे में मुलविस है मुझे खुलकर बताओ हामिदान के ऐसे कौन से मामलात हैं जिन्हें गैर कानूनी सरगर्मियां कहा जा सकता है हामिदान अपने खेतों में नशीली फसल की काश्त करता है हवलदार अली ने इनकशाफ अंगेज लहजे में बताया मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस तरारी लहजे में पूछा तुम्हारा मतलब है अफ्यून पोस्त अफ्यून अफीम और एक ही नशीली शह के मुख्तलिफ नाम हैं अवलदान ने मेरे सवाल के जवाब में अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटकते हुए बताया मलक साहब ना हशैश के डोडे और ना ही कोई चरस या फियम वो कोई और ही पौधा जो देखने में तंबाकू के पौधे से गहरी मुशाबत रखता उसके पत्ते तंबाकू के पत्तों के मानी थे। हामिद खान ने हामिद खान इस नबतात अजीब को तंबाकू के खेतों के बराबर वाले खेतों में काश्त कराता सिर्फ खान साहब के खास आदमियों को ही इस बात का इलम होता है कि किस खेत में सब्ज परी की फसल लगाई गई है सब्ज परी मैंने उलझन सदा नज़र से उसे देखा जी मलिक साहब मैंने जिस नशीले पौधे का जिक्र किया है उसका असल नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन ये लोग उसे सब्ज परी के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उसका नशा इंसान को परियों के देश में ले जाता है बरकत अली वजाहत करते हुए बोला आज कल सब्ज परी की फसल तैयार खड़ी है तुम परियों के देश की कहानी तो इस तरह सुना रहे हो जैसे तुम भी उस नबातात के होशरुबा तलासमातीसरा से इस्त करते हुए परिस्तान की सैर कर चुके हो मैंने मानी खेज अंदाज में कहा नहीं मलक साहब वो दोनों हाथ कानों को लगाते हुए बोला अल्लाह ना करे नशा कोई भी हो बिलाकर इंसान को तबाह करके ही दम लेता है अल्लाह दुश्मन को भी इसके शर से महफूज रखे यह तुमने बड़ी अलमाना बात की बरकत अली मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा भी दोपहर तो बार बारिश हो रही है मेरा इरादा था गाजी नगर का एक चक्कर लगाने का इब्राहिम की जुबानी मुझे जिन आठ खुतीन के नाम पता चले हैं उनसे पूछताछ करना ज़रूरी है इसके अलावा भी कारखाने के सुपरवाइजर मंजूर उर्फ झूरा से भी मुलाकात करना चाहता हूँ हो सकता है रुसाना की मौत और फरजाना की गुमशुदगी के हवाले से कोई सुराग हाथ लग जाए आप तो आप कल सुबह ही गाजी नगर का रुख कर सकेंगे हवलदार ने मतदल अंदाज में कहा अगर मतला साफ हुआ तो कल तो मैं मतला के साफ और अबर आलूद होने की परवानी करूँगा मैंने अटल अंदाज में कहा इस मामले को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले मुझे पता चलाना है कि रुसाना के साथ कौन सा अंधोनाक वाक्य पेश आया था वो इस बात में सर हिलाकर रह गया मैंने उसे जाने की इजाजत देते हुए कहा बरकत अली तुमने मेरा साथ देने का वादा किया इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ उम्मीद है हम दोनों मिलकर यहाँ के हालात को सुधारने में कामयाब हो जाएंगे इनशाला मलक साहब वो मजबूत लहजे में बोला फिर सरसरी अंदाज में पूछा आज आपने इशफाक को जल्दी छुट्टी दे दी है मैंने बरकत अली को बताया कि अशफाक को मैंने क्या काम सौंप कर गाजीनगर भेजा है आखिर में कहा अशफाक मकामी बनता है वो ज्यादा बेहतर अंदाज़ में रुखसाना वाले मामले की छानबीन कर लेगा अगर करना चाहेगा तो बरकत अली ने मानिक खैज़ अंदाज में कहा इसका क्या मतलब हुआ मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा वो ऐसा क्यों नहीं चाहेगा भला मलक साहब मैंने जब आपका साथ देने की ठान ली है तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर ऊँच से भी आगाह करूँ वो गहरी संजीदगी से बोला मेरी मालूम के मुताबिक अशफाक हामिद खान का ख़ास आदमी है उससे आपको होशियार रहना होगा अगर रुकसाना की मौत में किसी तरह भी खान साहब का हाथ है तो अशफाक कभी भी आपको सही रिपोर्ट नहीं देगा बल्कि इस बात का ज्यादा इम्कान है कि वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा हवलदार की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया ये तुमने बहुत अहम बात बताई बरकत अली मैंने तशक् और मेज़ान में कहा और उसे अशफाक की रानी वाली दरख्वात के बारे में तफसीला बता दिया मलक साहब रानी को काम पर रखने का फ़ैसला तो बहरहाल आप ही को करना है वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला बाकी मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि अशफाक ने रानी के हवाले से आपसे गलत बयानी की है कैसी गलत बयानी बरकत अली मैंने हैरत भरे लहजे में कहा क्या रानी अशफाक की भांजी नहीं है वो अशफाक की सगी भांजी नहीं है बरकत अली वजाहत करते हुए बोला दरअसल रानी की माँ जोहाँ अशफाक की तायाजा बहन है और वो कोई ऐसी बीमार या कमज़ोर भी नहीं कि कोई काम काज ना कर सकती हो अशफाक ने महज आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए यह कहानी सुनाई है मेरी हमदर्दी हासिल करने में अशफाक का क्या फ़ायदा है मैंने हवलदार से इसफ़सार किया मैं समझता हूँ वानी की मदद से हामिद खान के हुक्म पर आपकी जासूसी कराने का इरादा रखता है वो ठहरे हुए लेचे में बोला तीन साल पहले भी इस थाने में आप जैसा एक कसूल प्रस्त और ईमानदार थानेदार तैनात हुआ था वो किसी भी कीमत पर हामिद खान के सामने झुकने को तैयार नहीं था

वो लम्बे बर को सांस संवार करने के लिए थमा फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला लड़की के वाले फटे हुए कपड़ों ही में उसे लेकर हामिद खान की हवेली में पहुंच गए थे खान हाँ साहब ने न सिर्फ उनकी फरियाद सुनी बल्कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए फ़ौरी तौर पर अपने ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए आइंदा दो रोज के अंदर अंदर उस थाना इंचार्ज को बदकिरदार साबित करते हुए मुतल करवा दिया था ये हामिद खान तो बड़ा ही खतरनाक और चालबाज शख्स है जी मनुख सा वोदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला बरकत अली मैंने हवलदार की आंखों में देखते हुए इस्तीफसार किया क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो हाँ जी सुबह सवेरे उसने बताया मैं कोशिश करता हूँ कि फ़जर की नमाज छूटने ना पाए वेरी गुड तो ये तो बड़ी अच्छी बात है मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा सुबह जल्दी उठने वाला इंसान दिन भर चाको चौबंद रहता है और अगर वो नमाजी भी हो तो उसके चेहरे पर नूर खंड जाता है और आंखों में रूहानी चमक पैदा हो जाती है कल सुबह तुम फजर की नमाज के बाद तैयार रहना और रात को ही एक तांगे का भी करके रखना मेरे आखिरी दो जुमले जारी मजमून से लगा नहीं खाते थे बरकत अली ने चौंके हुए लेचे में दरियाफ्त किया क्या सुबह गाज़ी नगर जाने का इरादा मैंने दनिस्ता मुभम सा जवाब दिया हवलदार समझ गया कि मैं सुबह वाले मिशन के हवाले से फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता लिहाजा उसने मज़दीद कोई सवाल नहीं किया फर्मा बर्दारी से बोला ओके okay, सर मैं आपको तैयार मिलूंगा उसी रात में क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ाने से पहले अपने कमरे से यह हद करके उठा किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर मैं कांस्टेबल अशफाक की भांजी आपदा उर्फरानी को काम पर नहीं रखूंगा पो पढ़ते ही मैं और हवलदार बरकत अली थाने से बाहर निकला थाने के सामने एक तांगा तैयार हालत में खड़ा था मैंने अपने हाथ में एक छोटा थैला उठा रखा था बरकत ने उस थैले की जानेब इशारा करते हुए मुझसे पूछा मलिक साहब क्या किसी की गिरफ्तारी का प्रोग्राम है अमूमन इस किस्म के थैले में यही जेवर को रखा जाता था इस लिहाज से हवलदार का अंदाज़ा सौ फीसद दुरुस्त था लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी मस्कूर थैले में हथ नहीं थी मैंने हवलदार के सवाल का जवाब में कहा हाँ कुछ ऐसा ही इरादा उस वक्त हम दोनों अवामी लिबास में थे मेरी संजीदगी को देखते हुए बरकत अली ने भी खमोशी इख्तियार कर ली तांगे की तरफ पेशकदमी करते हुए मैंने हवलदार से इस्तफसार किया क्या तुम टाँगा चलाना जानते हो मेरे इस गैर मतवक़ सवाल पर चौंक कर उसने मुझे देखा मैंने कभी चलाया तो नहीं उसने मुतजफज लहजे में कहा लेकिन ये कौन सा मुश्किल काम है जनाब किसी भी काम को हल्का या आसान नहीं लेना चाहिए बरकत अली मैंने ठहरे हुए लेजे में कहा चाय बनाना बज़ाहिर का सहल और मामूली सा काम नजर आता है लेकिन सौ में से सौ अफरा ढंग से चाय बनाना नहीं जानते ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे मलक साहब वतयदी अंदाज में करदन हिलाते हुए बोला फिर कहा वैसे मैंने तांगे के साथ कोचवान का भी इंतजाम किया मलक साहब वो देखे फकीर मोहम्मद तांगे के पास ही खड़ा मैं हवलदार के तवज्जो दिलाने से पहली मसकूरा कोचवान को देख चुका था फकीर मोहम्मद एक सीधा साधा देहाती इंसान था जो घोड़े की पुस्त को सहला रहा था ये एक सीक्रेट मिशन है बरकत अली मैंने गंभीर अंदाज में कहा इसलिए हम दोनों के सिवा इसका कोई गवाह नहीं होना चाहिए जो भी करना है हम दोनों ही ने करना है और किसी तीसरे को इसकी हवा भी नहीं लगना चाहिए तो मेरी बात समझ रहे हो ना जी समझ गया उसने इस बात में जवाब दिया और कोचबानी की तुम फिक्र ना करो मैंने कहा आज इस तांगे का कोचबान भी मैं ही हूँगा वह हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा तहम वो कुछ बोला नहीं आइंदा पाँच मिनट में हम तांगे पर सवार होकर गाजी नगर की जानब रवाना हो चुके थे घोड़े की लगा मेरे हाथ में थी और हवलदार बरकत अली तांगे की फ्रंट सीट पर मेरे पहलू में बैठा हुआ था उस वक़्त आसमान साफ था सरे दस्त बारिश का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था माहौल पुरस्कून फिज़ा खामोश और मौसम खुशगवार था मेरे थाने से गाजी नगर महज दो मील के फासले पर वाक़ था और वहाँ तक रसाई के लिए नहर के साथ साथ कच्चा रास्ता बना हुआ था हमारा तांगा उसी कच्चे रास्ते पर महवे सफ़र था नहर के दोनों जानब तहद निकाह जर अराजी फैली हुई थी जो हामिद अली ख़ान की मलकियत थी हवलदार की जुबानी मुझे पता चला था कि बरसों पहले गाजी नगर के चंद बाशिंदों के पास अपनी छोटी मोटी जमीनें हुआ करती थीं जो हामिद खान ने उनकी मुँह मांगी कीमत अदा करके खरीदनी थी जिस जमींदार ने भी अपनी चंद एकड़ अराजी हामिद खान के हाथ फरोहत करने से इनकार किया या किसी और किस्म की मजाहमत का इजहार किया वो जिंदा सलामत न रहा इसी हैवानी वहशत और दरिंदगी का इस्तेमाल करके हामिद हान इस इलाके की तमाम ज़मीनों का बिला शिरकत गैर मालिक बन बैठा था कोई उसकी दहशत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था मलक साहब अगर आप मुनासिब समझे तो बताएं कि हम गाज़ी नगर के किस वसनी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं हवलदार के सराते हुए सवाल ने मुझे ख्याला से चौंका दिया मैंने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया मैं किसी इंसान को गिरफ्तार करने नहीं जा रहा तो फिर वह ताजब खैज नज़र से मुझे देखने लगा कल तुमने मुझे बताया था कि सब्ज परी की फसल तैयार करी है मैंने वजाहत करते हुए कहा मैं उसी सब्ज परी को गिरफ्तार करने का इरादा रखता हूँ तुम सब्स परी वाले खेतों तक मेरी रहनुमाई करोगे ओ तो फिर तांगा इधर ही रोक ले मोलक साहब उसने मैं कन की अंदाज में कहा आपकी बात तो लेकिन वो खेत शुरू हो चुके हैं जिनमें हामिद खान ने नशीली फसल सब्स परी की काश्त कर रखी है उस वक्त हम गाजी नगर गाँव से कमो बेश आधे के फासले पर था यानी अगर हमारा तांगा लगभग आधा मील और चलता तो हम गाजी नगर के अंदर पहुंच जाते मैंने तांगे को बायस्तगी कच्चे रास्ते के किनारे लगा दिया फिर हम दोनों तांगे से उतर कर खेतों के अंदर घुस गए मैंने एहतियातन घोड़े की लगाम को किकर के एक दरहत के साथ बांध दिया था और वह थैला बदस्तूर मेरे हाथ में था जो मैं थाने से अपने साथ लाया था बरकत अली की रहनुमाई में मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया बरकत अली ने सामने की जानब इशारा करते हुए मुझे बताया मलक साहब इन दस एकड़ में सब्ज़ परी काश्त की गई है मैंने बगौर उस फसल का जायजा लिया फिर एक गहरी सांस हारिश करते हुए कहा यह तो हूबहू तम्बाकू के पौधे ही नजर आ रहे हैं अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हामिद खान किस कदर चालाक शख्स है हवलदार ने मतदल अंदाज में कहा फिर जबजब -जब लहजे में इजाफा किया लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मरख साहब कौन सी बात बरकत अली मैंने पूछा वो उलझन ज्यादा लहजे में बोला आप सब्ज परी को गिरफ्तार कैसे करेंगे मैं अकेला थोड़ी ये काम करूंगा मैंने थैले को खोलते हुए आम से लहजे में कहा हम दोनों मिलकर ही कारनामा अंजाम देंगे जब सारी कार्रवाई हमारी नज़रों के सामने अमल में आएगी तो फिर तुम्हारी परेशानी और उलझन खुद ब खुद दूर हो जाएगी इस दौरान में मैंने थैले के अंदर से एक और छोटा थैला बरामद कर लिया था बरकत अली दिलचस्पी भरी नज़र से मुझे देख रहा था मैंने हाल ही होने वाला नस्बता बड़ा थैला उसे थमाते हुए कहा तुम इस थैले में चार पाँच सब्स परी के पौधे डाल लो लेकिन उन पौधों को किसी एक ही जगह से नहीं निकालना ये काम इतनी सफाई के साथ करना है के देखने वाले को ज़रा सा भी शक ना हो कि यहाँ से कोई पौधा उखाड़ा गया दस एकड़ कोई कम आराजी नहीं होती मैं समझता हूँ तुम बसानी ये काम कर लोगे मलक साहब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है वो मेरी तरफ़ देखते हुए बोला सारा काम आपके हंसपे मंशा हो जाएगा लेकिन ये तो बताएं कि इस छोटे थैले के अंदर क्या है बाद के अहताम पर उसने मसकूरा थैले की तरफ इशारा भी कर दिया मैंने छोटे थैले को खोल कर उसके अंदर से एक स्टील कैमरा निकाल लिया कुछ अर्सा पहले मेरा बड़ा भांजा यूरोप के दौरे पर गया था और वहाँ से वो अपने मामू जान यानी मेरे लिए ये कैमरा लाया था मैंने मजकूरा कैमरा हवलदार को दिखाते हुए कहा तुम थैले के अंदर सब्ज परी के पौधे कैद करोगे और मैं इस कैमरे की मदद से सब्ज परी के इन खेतों को हथकड़ी लगाऊंगा सारी बात हवलदार की समझ में आ गई आइंदा दस पंद्रह मिनट में हमने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को बहसन तरीके से पूरा किया आइंदा दस पंद्रह मिनट में हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बतरीक़े अहसन पूरा कर दिया वापसी के सफ़र में बरकत अली ने मुझसे कहा मलक साहब आपने खान साहब पर हाथ डालने के लिए पक्का काम कर दिया अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप सब्स परी के इन पौधों का लेबॉर्टरी टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हामिद खान के खिलाफ एक ठोस सबूत आपके हाथ में आ जाए तुम गलती पर नहीं हो बरकत अली मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा लेकिन मेरी चंद बातों को जे नशीन कर लो वह मतन घोश हो गया मैंने कहा अगर मैं चाहता तो सरकारी फोटोग्राफर को बुलाकर सब्स परी वाले खेतों की कई तस्वीर बनवा सकता था लेकिन मैं अपनी सारी कार्रवाई का डिंडोरा नहीं पीटना चाहता इसलिए अपने ज़ाती स्टील कैमरे की मदद से मैंने ज़रूरत की चंद तस्वीरें खींच ली हैं मेरी यही कोशिश होगी कि हामिद खान को गिरफ्त में लेने से पहले किसी भी तरह उसे मेरी इस काबिश का पता ना चले वरना वो वरना वो चीता चालबाज मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख देगा फिर मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा बरकत अली अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों ने सब्स वाले खेतों में जो कुछ भी किया है वो किसी की नज़र में नहीं आया मेरा इतनी सुबह इस तरह की कार्रवाई करने का मकसद भी यही था मैं नहीं चाहता था कि हमारे इस खुफिया मिशन की किसी को कानो कान खबर हो ये बात सिर्फ हम दोनों के इलम में है यह हामिद खान के खिलाफ मेरा एक टॉप सीक्रेट मिशन है बरकत अली इसलिए ज़ाहिर है मैं इस मामले की किसी को हवा भी नहीं लगने दूंगा अगर यह खबर लीक हुई तो मैंने मानी अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो हवलदार इस हवलदारे लहजे में बोला मलक साहब आप मुझसे भी किसी गलती या कोताही की उम्मीद ना रखें मैं अपनी जान दे सकता हूँ मगर मेरी जुबान से आपका कोई राज अफशा नहीं होगा आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा बल्कि अपने फेल से साबित करूंगा कि मैं जुबान का धनी और के भरोसा इंसान हूँ मैं तो काफ़ी अरसे से ये दुआ कर रहा था कि वो बोलते बोलते रुका तो मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा बरकत अली तुम क्या दुआ कर रहे थे यही कि आप जैसे किसी दबंग और असूल प्रस्त इंचार्ज के साथ मुझे काम करने का मौका नसीब हो हामिद खान के जुल्म और हद दर्जा ज्यादती के वाकयात देख देख कर मेरा दिल पक गया है अपनी बेबसी और मजबूरी पर दिमाग जलता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि आपके सय में काम करके मुझे रूहानी सुकून मिलेगा उन लम्हात में वो हासा जज्बाती हो रहा था उसके एक एक लफ्ज़ से सच्चाई टपकती थी मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा बरकत अली हम दोनों मिलकर गाजी नगर की फरसुदा और बेहुदा रिवायात को बदल कर रख देंगे इन श्ल वो मजबूत लहजे में बोला फिर ख्वाबनाक लहजे में कहा आपको पता है मैं अक्सर क्या सोचता हूँ मैं उसकी सोच के बारे में कुछ नहीं जानता था लिहाजा साहब कोई का मुजाहरा करते हुए कहा मुझे नहीं पता मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई करशुमाती ताकत आ जाए उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा जब सारी दुनिया गहरी नींद के मज़े लूट रही हो तो मैं उठूँ और अपनी तलसमाती ताकत के ज़ोर पर इस दुनिया में से सारे दुख गम तकालीफ दर्द और परेशानी को ख़त्म कर दूँ सुबह जब लोग बेदार हों तो उन्हें यह दुनिया बदली बदली सी और निकरी निकरी सी मिले हर रंजोलम से पाक तुम्हारा ये ख्याल तो नेक है बरकत अली उसके खामोश होने पर मैंने कहा लेकिन शायद तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कौन सी बात मलिक साहब वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा इस कायनात में मौजूद सूरज चांद सितारे सियारे पहाड़ दरिया समंदर रेगजार बर्फ़ज़ार जंगल वीरान नबादात हवानात और जमादात सब के सब पुरसकून और अपने अपने काम मगन हैं सिर्फ़ एक हज़रत इंसान ही ऐसी महलूक है जिसकी बेचैनियाँ और बेकरारियाँ देखने से ताल्लुक रखती हैं उसकी अजियतें और करब कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए ये सारे अजाब उसने खुद अपने लिए पैदा किए हैं इसलिए मैं साँस सवार करने के लिए थमा फिर अपनी बात के अहतदाम पर कहा इसलिए बरकत अली तुम इस दुनिया को पॉजिटिव बनाने का ख्याल जहन से निकाल दो सिर्फ ये सोचो कि हमने किस तरह गाजी न उसके कुर्बो जवार को हामिद खान के शर से महफूज करना है जी मलक साहब वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा होगा क्योंकि यह कोई मामूली काम नहीं होगा हामिद खान ने कमाल होशियारी से यहाँ के लोगों के जहनों को अपना गुलाम बना रखा है पूरे इलाके में जैसे अंधेर मची हुई है इस गुप्त अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती कमाल होशियारी का मुंह तोड़ जवाब हम जमाल चलाकी से देंगे मैंने मानी अंदाज में कहा फिर सरसरी लहजे में पूछा बरकत अली तुम्हें पता है रात का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा स्याह होता है मेरा ख्याल है रात का आखिरी पहर उसने जवाब दिया तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है बरकत अली मैंने कहा फिर इस किया जानते हो क्यों मैं नहीं जानता साहब वो बड़ी सादगी से बोला आप बताएं वो इसलिए कि बरकत अली इसके बाद सुबह होना होती है मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा सुबह की आगाज के साथ ही तारीकी को रुखसत होना पड़ता है गाजी नगर का मामला भी कुछ ऐसा ही है यहाँ इसलिए तुम्हें गुप अंधेरा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द इस उम्मीद तारीखी में से उम्मीद की किरणें फूटने वाली हैं समझ लो हामिदान के जुल्म लम सितम का सूरज गरूब होने का वक्त आ गया है अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे मलक साहब वह जज्बात से मगलूब लहजे में बोला इनशाला ऐसा होकर रहेगा मैंने चटानी अंदाज में कहा हम बखैर वाफीत था थाने पहुँच गए सूरज गोया सवा निज़े पर उतर आया था आसमान आग बरसा रहा था हवा बिल्कुल बंद थी गुजश्तर रोज होने वाली बारिश का पानी नशेबी हिस्सों में जमा हो गया था कड़कदार धूप के बायस पैदा होने वाले बुखार ने माहौल को हफ्स ज्यादा बना दिया था सांस लेते हुए दम घुटता महसूस होता था लगभग ग्यारह बजे कॉन्स्टेबल अशफाक घबराया हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए मैं सीधा होकर बैठ कर पूछा क्या हुआ अशफाक गाजी नगर में सब खैरियत तो है ना कल मैंने एक खास जिम्मेदारी सौंप कर अशफाक को छुट्टी दे दी थी मैं तो कर रहा था कि उसकी घबराहट का ताल्लुक उसी जिम्मेदारी से होगा मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला वो इस तरारी लहचे में बोला मलक साहब रुखसाना ने भी फरजाना की तरह खुदकशी ही की होगी ये तुम क्या कह रहे हो उसके जवाब ने मेरे जहन को बुरी तरह उछा दिया था रुखसाना की लाश कल सुबह जामिनपुर में नहर के अंदर से मिली थी और फरजाना ताल गुमशुदा है तुम इन दोनों लड़कियों को एक दूसरे के साथ नथी क्यों कर रहे हो फरजाना अब गुमशुदा नहीं रही मलक साहब सरसराती हुई आवाज़ में बोला उसकी लाश भी मिल गई है उधर मैंने कतल कलामी करते हुए पूछा फरजाना की लाश कहाँ से मिली है मैं आपको वही तो बता रहा था और जल्दी से बोला फरजाना ने आम के दरह से लटक कर अपनी जान दे दी है इधर बाग में उसकी लाश के पास बहुत से लोग जमा है हादसा भी देखने आए थे फरजाना के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है किसी ने फरजाना की लाश को नीचे उतारने की कोशिश नहीं की मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया नहीं जनाब उसने नफी में जवाब दिया खांस साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया था उन्होंने कहा कि यह पुलिस केस है थाने में इस वाक्य की इतला कर दो बस जनाब फिर मैं आपके पास चला तुमने और तुम्हारे हाँ साहब ने महकमा पुलिस पर बड़ा एहसान किया इशफाक मैंने तनजिया लहजे में काफी पूछा वो तुम्हारी बाजी रानी का है इस वक्त रानी तो अपने घर पर ही है मलक साहब उसने बताया मुझे अफरा तफरी में आपके पास आना पड़ा वरना मैंने उसे अपने साथ लेकर आना था अभी तुम रानी को अपने घर ही में रहने दो मैंने दो टोकंदाज में कहा उसे तो यहाँ लाने की जरूरत नहीं है मैं रुखसाना फरजाना वाले मामले को निपटा लूँ इसके बाद रानी के बारे में बात करेंगे जो आपका हुक्म अलग साहब वो बुझे हुए लहजे में बोला मैंने कहा अशफाक तुम और कांस्टेबल वहीद बाहर तांगे में जाकर बैठो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ फिर हम सब एक साथ गाजी नगर के बाकी तरफ चलेंगे जी ठीक है वो फर्मा बर्दारी से बोला वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने कहा जरा हवलदार को मेरे पास भेज दो जी अच्छा साहब बरकत अली मेरे कमरे में आया तो मैंने गंभीर लहजे में उसे सूरत हाल से आगाह किया फिर ठहरे हुए लहजे में कहा रुखसाना और फरजाना इतवार चार जुलाई की शाम अचानक लापता हुई थी रुखसाना की लाश हमें गुजश्ता रोज छः जुलाई को मिली थी और फरजाना की लाश आज सात जुलाई को दरयाफ्त हुई है मुझे यकीन है रुखसाना और फरजाना की मौत में कोई गहरा और ताल्लुक मौजूद है मैं मौका की कार्रवाई करने गाजी नगर जा रहा हूँ इस दौरान में तुमने एक अहम काम करना है जी मल्क साहब अब हुक्म करें वो पुरजम लहजे में बोला मैं अपने साथ अशफाक और वहीद को लेकर जा रहा हूँ मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा मैं अशफाक के हाथ उन आठ औरतों को थाने भिजवा दूंगा जिन्हें चार जुलाई को मजीद काम करने के लिए कारखाने में रोक लिया गया था सारा केस तुम्हारे इलम में है मेरी वापसी में देर हो सकती है इस दौरान में तुमने उन औरतों को अच्छी तरह खंगालना है अगर किसी किस्म की सख्ती भी करना पड़े तो तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूँ मुझे उम्मीद है उनमें से किसी न किसी की जुबान से रुखसाना फरजाना की अजीब और गरीब गुमशुदगी के हवाले से कोई ऐसी बात जरूर निकलेगी जिसकी मदद से हम रुखसाना फरजाना की मौत के मोहम्मे को हल कर सकेंगे तो मेरी बात समझ गए हो ना अच्छी तरह समझ गया मलक साहब वो बड़े अतमाद से बोला बेफिक्र होकर जाए मैं यहाँ के मामलात को संभाल लूँगा हवलदार के इतमान दिलाने के बाद मैं अशफाक और वही के साथ टाँगे पर सवार होकर जाय बकुआ की जानब रवाना हो गया आज इस कदर गर्मी और हबस था उसके नतीजे में आसमान पर सुरमई बादल जमा होना शुरू हो गए थे हमारा तांगा तेज रफ्तारी से गाजीनगर की सिमत रवा दवा था रास्ते में मैंने इशफाक से कहा तुम फरजाना की मौत की खबर लेकर मेरे पास दौड़े चले आयो वो जो काम मैंने तुम्हारे सुपुरद किया था उसका क्या बना मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की मलक साहब वो नदामत रहचे में बोला लेकिन इस बात का पता नहीं चला सका कि रुखसाना फरजाना कहाँ गायब हो गई थी कोई बात नहीं इंसान नाकामी से कामयाबी का हुनर सीखता है मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा दिल छोटा ना करो मैं एक और काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ इस बार जरूर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हवलदार बरकत अली की जुबानी मुझे अशफाक के की जो किरदारफ्सीला पता चली थी उसके बाद मैं उसकी तरफ से बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था यह दिलजोई वाला ड्रामा एक मनू कार्रवाई थी ताकि उसे ये शक न हो कि मैं उसकी असलियत जान गया मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ वो ममनूनीत भरेचे में बोला आपकी बार में अपनी जान पर खेल कर आपका हुक्म बजा लाऊंगा अपनी या किसी दूसरे की जान से खेलने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है मैंने तादेवी नजर से उसकी जानब देखते हुए कहा मैं, तुम्हे, मैं तुम्हें मैं तुम्हें नहायत ही आसान काम बताने वाला हूँ वह मतन होते हुए बोला जी साहब मैंने आठ औरतों के नाम गिनवाने के बाद मुतदल अंदाज में कहा चार जुलाई की शाम इन आठ औरतों रखसाना फरजाना को मजीद काम की गरज से झूरा ने कारहाने में रोक लिया था ये आठो ब पहुँच गई थी अब तुमने करना यह है की इन आठों औरतों को एक टांगे में भर कर तुमने फिलफोर थाने पहुंचाना जब मैं बकूआ की कार्रवाई निपटा कर वापस आऊँ तो ये औरतें थाने में मौजूद होना चाहिए कर लोगे ये सब कुछ मुझे और शर्मिंदा ना करें मलिक साहब वो दोनों हाथ जोड़कर पशेमानी भरे लहजे में बोला इस बार मैं आपकी नज़र में अपनी इज्जत ज़रूर बना लूँगा ठीक है मैंने कहा यह भी देख लेते हैं फरजाना की लाश आम के एक पेड़ की तबाना शाख के साथ लटकी हुई थी उसकी गर्दन में एक दुपट्टा बंधा हुआ था जिसका दूसरा सिरा पेड़ की शाख के साथ बड़ी मजबूती से बांधा गया था बाद नज़र में यही दिखाई देता था कि फरजाना ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी लेकिन मेरी छठी हिस्स किसी और ही जाने भी इशारा कर रही थी मुझे इस समर में कोई शक या शुभ नहीं था कि बदनसीब फरजाना को कत्ल किया गया था आमों के इस बाग़ में कम बेश एक दर्जन अफराध मौजूद थे मैंने तीन लोगों की मदद से फरजाना की लाश को दरहा से नीचे उतरवाया और बाग की घास तार जमीन पर रख दिया फिर वहाँ जमा अफराध की तरफ़ देखते हुए कहा कोई जाकर एक चारपाई और चादर ले आए बाघ और गाजी नगर के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था मेरे हुक्म पर दो अफराद गाँव की जानब रवाना हो गए बाकी लोगों की जानब देखते हुए मैंने इस्तफसार किया क्या फरजाना का बाप सदीक तुम लोगों के बीच मौजूद है एक दराज कामत दुबला पतला शख्स आगे बड़ा और भराई हुई आवाज़ में बोला थानेदार साहब मैं ही इस बदकिस्मत लड़की का बाप हूँ सदीक की उम्र पचास के आसपास थी मैंने उसकी वीरान आंखों में झांकते हुए कहा मैं इधर मैं उधर आकर ही तुमसे बात करता हूँ सदीक इस बात में गर्दन हिलाते हुए गांव की सिमत चल पड़ा मैंने बाकी मांदा अफराज से सवाल किया तुम में से कोई फरजाना की अलमनाक मौत के बारे में कुछ जानता है वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए नफ़ी में गर्दने हिलाकर रह गए मैंने सपाट आवाज़ में दरिया किया फरजाना की लाश को किसने सबसे पहले देखा था मैंने थानेदार साहब एक अधेड़ उम्र शख्स ने सीने पर हाथ रख कर जवाब दिया तुम्हारा नाम क्या है उसने बताया मुश्ताक जनाबे वाला मुश्ताक इधर ही रुको मैंने मतदल अंदाज में कहा फिर दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा तुम सब जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो उन लोगों में से सांवली रंगत का एक दराज कामत शख्स मुझसे मुखातिब होते हुए बोला सरकार मेरा नाम फिरोज़ है मैं इस बा का रखवाला हूँ गाजी नगर में ऐसा वाक़ा आज से पहले कभी पेश नहीं आया दरहत से लटक कर खुदकुशी का वाक़ या फिर किसी को मार कर लाश को पेड़ पर टांग देने का मैंने फिरोज़ की आंखों में झांकते हुए कर हथ में कहा तुम इस बाग की देखभाल करते हो तुम्हें यकीन मालूम होना चाहिए कि फ़रजाना किस किस्म के हालात का शिकार हुई है ना सरकार वो नफी में गर्दन हिलाते हुए मिन्नत रेज लेजे में बोला कल रात को जब मैं यहाँ से गया तो बाग में सब कुछ ठीक ठाक था और आज मैं जिस वक्त इधर आया तो यहाँ पर लोगों को जमा पाया मैं फरजाना की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता वाकई नहीं जानते या जान बोझ कर किसी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो मैंने तेज नज़र से उसे घूरा मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा थानेदार साहब वो लजाजत भरे अंदाज में बोला मुझे तो ये सीधा साधा खुदकुशी का मामला लग रहा है मुझे जब इस केस को हल करने के लिए तुम्हारी राय की जरूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें थाने बुला लूँगा मैंने ठोस अंदाज में कहा फिलहाल तुम जा सकते हो उसी वक्त दो अफराद चारपाई और चादर लेकर आ गए मैंने मजकूर अफराद के ताउन से फरजाना की लाश को चारपाई पर डलवाया और बगौर उसका मुआयना करने लगा रुखसाना की तरह फरजाना के जिसम पर भी लिबास मौजूद था दोनों हाथों और पाँव पर किसी जख्म या चोट का निशान मुझे नज़र नहीं आया अलबत्त इसकी गर्दन पर दुबट्टे वाले फंदे के अलावा दो तीन मकाम पर खरोंचों के निशानात दिखाई दे रहे थे अगलब इम्कान इस बात का था कि किसी बड़े हुए नाखनों वाले शख्स ने फरजाना का गला घोट कर घाट उतारा था मतलब ये कि मेरा शक सच निकला था फरजाना ने दरह से लटक कर अपनी जान नहीं दी थी बल्कि पहले किसी ने गला दबा कर उसे मौत की नींद सुलाया था बाद में दुपट्टे की मदद मतलब से आम के पेड़ की शाख पर लटकाकर यह तसुर देने की कोशिश की थी कि इसने खुदकुशी की है मौका पर मौजूद अफराज से पूछकिछ करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो डरे सहमे से अंदाज में इस वाक्य के हवाले से अपनी लालमी का इजहार कर चुके थे मैंने मुश्ताक को मुख्तलिफावियों से खरीदने की कोशिश की लेकिन उससे भी काम की कोई बात मालूम ना हो सकी चुनाचा मैंने जाए बकूआ की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फरजाना की लाश को कांस्टेबल वहीद की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया फिर मैंने फरजाना के घर की जानब रुख किया मुश्ताक मेरे साथ चल रहा था सदी के घर तक रहनुमाई करने के लिए मैंने ही उसे कहा था चंद लम्हा तक वह बिल्कुल खामोश रहा फिर मुतजबजब लहजे में बोला थानेदार साहब एक बात मेरे जहन में घूम रही है पता नहीं आपकी नज़र में इसकी कोई अहमियत है कि नहीं ओ अल्लाह के बंदे मैंने बेजारी से कहा जब तक तुम इस घुमन घेरियाँ लेने वाली बात को मेरी नज़र के सामने नहीं लाओगे मैं किस तरह उसकी अहमियत या बेवकती का अंदाज़ा लगा सकता हूँ बताओ मुझे वो क्या बात है फरजाना का बाप सिद्दीक कह रहा था कि जिस दुपट्टे का फंदा बनाकर फरजाना ने जान दी है वो दुपट्टा उसका नहीं था मुश्ताक ने इनकशाफ अंगेज लहजे में बताया उस वक़्त रफसाना का बाप इब्राहिम भी यहाँ मौजूद था फांसी देने वाले दुबट्टे को देखकर इब्राहिम ने इस बात की तस्दीक की है कि वो दुब्टा उसकी बेटी रुखसाना का है तो मुझे कोई मामूली बात या इतफाक समझ रहे हो मुश्ताक मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा जानते हो उसका मतलब क्या है नहीं सरकार वो मासूमियत भरे ले में बोला मैं इतना समझदार नहीं हूँ ये भी अच्छी बात है मैंने मानी अंदाज में कहा समझदार होने के अपने अजाब हैं जिन्हें झेलना हर किसी के बस की बात नहीं मुश्ताक ने दोबारा मुझसे दुबट्टों के बारे में कोई सवाल नहीं किया लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि 4 जुलाई की शाम रुखसाना और फरजाना कारखाने से निकल कर किसी एक ही मुकाम पर पहुंची थी वह अपनी मर्जी से वहाँ गई थी या किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पहुँचाया था यह मैं सरदस्त नहीं जानता अलबत्त इस समर में किसी शक व शुभे की गुंजाइश नहीं थी कि उस जगह पर इन दोनों लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ था और इसी बुराई के दौरान में उनके दुबट्टे बदल गए थे और इस बदलाव की जानब किसी का ध्यान नहीं गया था रुखसाना की लाश के साथ उसका दुबट्टा मौजूद नहीं था एन मुमकिन है कि मस्कूरा दुबट्टा नहर के पानी के साथ बहता हुआ किसी दूसरे पर निकल गया हो मुश्ताक मुझे सदी के दरवाजे तक पहुंचा कर तो दस्तक दी थोड़ी ही देर में एक आठ साल बच्चे ने दरवाजा खोला और हैरत भरी नजर से मुझे तकने लगा काका मैंने शबकत भरे लहजे में कहा अंदर जाकर सिद्दीक को बताओ कि थानेदार दर आया लड़का घर के अंदर गायब हो गया दो मिनट बाद सिद्दीक दरवाजे पर नमोदार हुआ और सलाम करने के बाद मुझे अपने घर की बैठक में ले आया वह बैठक सदीक की बेबसी और मुफलसी का मुँह बोलता सबूत थी थोड़ी देर में सिद्दीक की बीवी आसिया भी वहीं आ गई उन्होंने मेरी हाथर तोज़ों के लिए बहुत जोर मारा लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया अव्वल तो उस वक्त मुझे खाने पीने की कोई हाजत नहीं थी दो मगर ऐसी कोई ज़रूरत होती भी तो वो मौका हर्दोनोज के लिए इंतहाई नामनासिब था मैंने नपे तुले अल्फाज में फरजाना को पेश आने वाले इस अलमनाक वाके पर अपने गहरे रजोम का इजहार किया फिर सबसे पहले फांसी के फंदे के लिए इस्तेमाल होने वाले दुबट्टे के बारे में इस्तफसार किया ये सच है थानदार साहब के फरजाना ने जिस दुपट्टे से खुद को फांसी लगाई है वो उसका नहीं बल्कि इब्राहिम की बेटी रुखसाना का है सिद्दीक ने नमनाक आवाज़ में बताया और इस बात की तस्दीक खुद इब्राहिम ने भी की है क्या तुम लोग मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए सवाल किया यही समझ रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने आम के पेड़ से लटक कर खुदकुशी की है तो और क्या समझे थानेदार साहब आसिया ने बड़ी बेबसी से कहा हमारा कोई दुश्मन भी नहीं हम किस पर शक करें आसिया भारी बदन की मालिक एक खालस देहातन थी उसके चेहरे और आंखों से सादगी झलकती थी मैंने उसे पूछा आसिया मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि फरजाना की मौत में किसी का हाथ नहीं उसने खुद अपनी मर्जी से जान दी है अब तुम्हें इस बात की वजाहत करना होगी कि फरजाना की जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख था जिसने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया नहीं जनाब उसे तो कोई भी गम नहीं था आसिया ने जवाब दिया वो तो बड़ी हसमुख और जिंदा दिल लड़की थी अपनी जान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं आसिया बीबी मैंने ठहरे हुए लेचे में कहा जब फरजाना को कोई दुख या परेशानी नहीं थी वो हंस ने मुस्कुराने वाली ज़िंदगी से मामूर खुशबाश लड़की थी तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की अब ये तो फ़रजाना ही को पता होगा थानेदार साहब आसिया ने शिक्षत खुर्दांदाज़ में जवाब दिया फरजाना के साथ जो उन्होंने अ वाक्य पेश आया है उसके बारे में यकीन फ़रजाना ही बेहतर जानती है लेकिन अफसोस के वह सवाल और जवाब की मंजिल से बहुत आगे जा चुकी है मैं उसे कुछ भी नहीं पूछ सकता लम्हाती तो करके मैंने बारी बारी उन दोनों के चेहरों पर नमदार होने वाले तासर का जायजा लिया फिर सिदीक से महातब होते हुए इस्तफसार किया तुम अपनी बेटी की मौत के बारे में क्या कहते हो मुझे तो यह खुदकुशी ही लगती है सरकार वह बिज होते हुए बोला मैंने वाजह तौर पर महसूस किया कि उसकी जुबान और आंखों में कोई रब्त जब्त नहीं था वो अपनी जुबान से जो कुछ भी जो कुछ भी बता रहा था आँखें उसका साथ नहीं दे रही थीं यकीन वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था इब्राहिम को ऐसा लगता है कि रुखसाना ने नहर में कूद अपनी जान दे दी और तुम्हारा ख्याल है कि फरजाना ने कले में फांसी का फंदा डालकर खुद को ख़त्म कर लिया है मैंने जहर ख़ंद लहजे में कहा तुम कितने मजबूर और लाचार हो के ढंग से अपनी जवान औलाद की मौत का मातम भी नहीं कर सकते क्या तुम लोगों को किसी ने यह बयान रटवा दिया है कि इन अफसोसनाक वाक़ को खुदकुशी समझ कर अपने आंसुओं को पीते हुए कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करना किसी जालिम के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान नहीं खोलना तुम लोग किसके खौफ में मुब्तिला हो तुम्हें किससे डर लगता है क्या हामिद खान से आसिया और सिद्दीक़ ने मानी खैज नज़रों से एक दूसरे को देखा फिर वह बैक जुबान होकर बोले नहीं जनाब ऐसी तो कोई बात नहीं हाँ साहब तो हमारे मालिक हैं वाज़ी नगर के हर बसने का बहुत ख्याल रखते हैं हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है ठीक है अगर तुम इस खुशफहमी को सीने से लगा कर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो कि हामिद खान तुम्हारा सच्चा खैर हुआ है तो मैं तुम्हें इस हमाक़त से रोकूँगा नहीं मैंने बशाफ़ अल्फाज में उन पर वाजिया कर दिया अगर तुम लोग मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं सवाल पूछ पूछ कर तुम्हें जिच नहीं करूँगा क्योंकि दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हक को अश्कारा कर देगी फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा रुखसाना फरजाना चार जुलाई रोज इतवार को कारहाने से निकल कर अपने अपने घरों को जा रही थी कहर तंगेज तौर पर लापता हो गई इसके बाद छह जुलाई की सुबह रुखसाना ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और सात जुलाई की सुबह यानी आज फरजाना ने खुद को एक तरह से लटका कर जान दे दी रुखसाना गुम होने के बाद लगभग लग तीस घंटे और फरजाना कमो बेच चौवन घंटे तक कहाँ रही और क्या करती रही इससे किसी को कोई गरज नहीं सबका एक ही मौक़ है कि इन दोनों ने खुदकुशी की है लेकिन मैं इतने लाचार और अहमकाना अंदाज़ में नहीं सोच सकता मैं उठकर खड़ा हो गया फिर बारी बारी इन मियाँ बीवी की आंखों में झांकते हुए अटल लहजे में कहा मैं रुखसाना और फरजाना की मौत के राज तक रसाई हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा और इस मौका पर अगर मुझे ये पता चला कि आप लोगों ने मुझसे किसी किस्म की गलत बयानी की है तो फिर मुझसे किसी मदद या ताउन की उम्मीद नहीं करना उनके रदल का इंतजार किए बगैर मैं घर से निकल आया जिस आठ साल बच्चे ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था वो इस वक्त गली में चुपचाप खड़ा था मदज़ा मुझे पता चला कि मरहूम फरजाना का छोटा भाई नसीर उर्फ गोशी था रुखसाना की मौत के बाद इब्राहिम और शहनाज़ तो बे औलाद होकर रह गए थे क्योंकि रुखसाना उनकी इकलौती औलाद थी अलबा सदीक़ और आसिया ने फरजाना को तो खो दिया था मगर नसीर की शक्ल में उनका ये आठ सला बेटा मौजूद था जब मैं एक टगे पर जब मैं एक टाँगे पर सवार होकर गाज़ी नगर से अपने थाने की जानब रवाना हुआ तो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था जो मेरे थाने पहुँचने के बाद मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुका था हवलदार बरकत अली ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया मैं थाने पहुंचा तो वो मेरे कमरे में आ गया मलक साहब वो मुझसे मुखातब होते हुए जोश भरे लहजे में बोला उन बीबियों में से दो ने काम की बातें बताई हैं बाकी छ रुखसाना फरजाना को पेश आने वाले वाक़ के बारे में कुछ नहीं जानती जिन औरतों ने काम की बातें बताई हैं वो तो काम की बीबियां हुई ना क्या नाम है उनके और उन्होंने काम की कौन सी बातें बताई हैं बरकत अली उनमें से एक का नाम रिहाना और दूसरी का नाम नुसत है मनक साहब हवलदार ने जवाब दिया मैं उन दोनों को आपके पास लेकर आता हूँ अभी नहीं मैंने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं उन्हें पूछताछ के लिए यहां बुला लूंगा पहले तुम मुझे बताओ कि उन्होंने कौन सी अहम बातें उगली हैं नुसरत ने बताया है कि हवलदार वजात करते हुए बोला उसने छुट्टी के बाद रुखसान फरजाना को एक साथ डेरे की जानब जाते हुए देखा था मैं सीधा होकर बैठ गया बरकत अली ने एक सनसनी खैज इनकशाफ किया था मैंने इस सरारी लहजे में इस्तिफसार किया और रिहाना क्या कहती है रिहाना का कहना है छुट्टी से लगभग लग दो घंटे पहले अल्लाह रखा नामी एक शख्स कारहाना के निगरान झूरा से मिलने आया था बरकत अली ने बताया ये उस वक़्त की बात है जब पचास की पचास औरतें और लड़कियाँ कारहाने में मौजूद अपने काम में मसरूफ थी अल्लाह रखा ने झूरा के साथ थोड़ी देर तक खुसर पुसर की फिर वो वापस चला गया उसके जाने के बाद झूरा ने रुखसाना फरजाना को अपने पास बुलाकर कुछ समझाया फिर जब छुट्टी का वक्त हुआ तो झूरा ने मजीद काम का हुक्म देते हुए में रोक लिया था जिनमें फरजाना भी शामिल मैंने गहरी सांस हारिश करते हुए तशवीश भरे लेचे में कहा अब मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि अल्लाह रखा कोई ऐसा पैगाम लेकर आया था जिसकी रूह से मजीद काम के बहाने रुखसाना फरजाना को दीगर आठ औरतों के साथ कारहाने पर रोक लिया गया था अगर झूरा सिर्फ रुखसाना और फरजाना ही को रोकता तो उसे हजारों किस्म के शकु को शुभहात जन्म ले सकते थे इस पूरे ड्रामे का असल मकसद रुखसाना फरजाना को डेरे की तरफ भेजना था यहाँ तक बोलते यहाँ तक बोलने के बाद मरुखा फिर हवलदार की आंखों में देखते हुए सवाल किया बरकत अली तुम क्या कहते हो बीच इस मसले के मैं भी बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंचा मनक साहब वह तोाना लहजे में बोला अगर हम अल्लाह रखा और झूरा को शामिल तफ्तीश कर लें तो उनकी ज़ुबानें भी कई एक रास खोल सकती हैं हम यकीन ऐसे ही करेंगे बरकत अली लेकिन जल्दबाजी में उठाया जाने वाला कोई भी कदम हमारे खेल को बिगाड़ सकता है क्योंकि हमारे मदे मुकाबले एक शातिर और चालबाज शख्स हामिद अली ख़ान है जिसकी ताकत वालुका से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो नहीं ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वह तफफीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला फिर पूछा उन आठ औरतों का क्या करना है मलक साहब तुम उनसे पूछताछ के दौरान में कोई तफ्तीशी जोर जबरदस्ती तो नहीं की मैंने पूछा नहीं मलक साहब वो नफ़ी में सर को झटकते हुए बोला हालांकि आपने तो मुझे हर किस्म की इजाज़त दे रखी थी लेकिन उन साहब ने बहुत ताउन किया और मामला आराम से निपट गया ठीक है तुम उन्हें मेरे पास ले आओ आइंदा दो मिनट के अंदर नुसरत जैतून रहमत बीबी बिल्किस रेहाना जुबैदा और कुलसूम को हवलदार ने मेरे सामने लाइन हाजिर कर दिया मेरे कमरे में एक साथ इतने अफराद को बिठाने का कोई मुनासिब बंदोबस्त मौजूद नहीं था लिहाजा मैं भी उठकर खड़ा हो गया और उनसे मुखातिब होते हुए नरम लहजे में कहा सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इस बात की माजरत चाहूंगा कि तुम्हें पूछगिछ के लिए थाने बुलाया गया इसे आप मेरी मजबूरी समझ लें क्योंकि गाजी नगर जाकर फरदन फर्दन, फर्दन सबसे मिलने में बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता और इस वक्त मैं जिस कदर मसरूफ हूं उसका अंदाजा आप लोगों को बखूबी होगा कल सुबह जमीनपुर वाली नहर से रुखसाना की लाश बरामद हुई थी और आज सुबह फरजाना की लाश शाम के एक पेड़ से लड़की मिली है इन दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की है या किसी ने इन्हें मौत के घाट उतारा है मैं इस मोमे को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ रुखसाना फरजाना को तो जिंदा नहीं किया जा सकता अलबत्ता उनकी मौत का सबब जानने की कोशिश जरूर की जा सकती है और इसी सिलसिले में तुम सबको यहाँ बुलाया गया था लेकिन तुम में से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानती आज जो कुछ हुआ उसे पुलिस की मामूल की कार्रवाई समझ कर भूल जाना और हाँ लम्हाती तो करके मैंने बारी बारी उनके चेहरों के तसुर का बगौर जायजा लिया फिर नहायती ठहरे हुए लहजे में इजाफा किया मैं मानता हूँ कि रुखसाना शहनाज की और फरजाना आसिया की बेटी थी लेकिन ये दोनों बदनसीब लड़कियाँ तुम सब के लिए भी बेटियों जैसी ही थीं मैं या मेरे अमले का कोई भी फर्द अब तुम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा इस वक्त मैं एक बंद गली में खड़ा हूँ और रुकसाना फरजाना को पेश आने वाले वाक्यात के हवाले से मेरे पास किसी किस्म की कोई मालूम नहीं है मैं चाहता हूँ तुम में से अगर किसी को कोई बात पता चले तो तुम फौरन मुझे बताओगी हम वादा करते हैं और भाई जुबान होकर बोली हम आपसे भरपूर ताबन करेंगे शाबाश मुझे तुमसे ऐसी ही अक्लमंदी की उम्मीद थी मैंने सतशी अंदाज़ में कहा मैं एक आध रोज़ में बड़े ख़ान साहब से भी जाकर मिलूंगा मैंने सुना है वो बहुत ही असर और रसूख वाले बंदे हैं इस केस को हल करने में वो यकीन मेरी मदद करेंगे वह सबकी सब अकीदत भरी नजरों से मुझे तकने लगी मैंने हवलदार से मुखातिब होते हुए कहा बरकत अली इन बीबियों को फ़ौर गाजी नगर पहुँचाने का इंतजाम करो इनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे जी मलक साहब हवलदार ने मुस्तैद लहजे में कहा फिक्र न करें मैं अभी आपके हुक्म की तामील कराता हूँ बात के अहतम पर हवलदार मेरे कमरे से बाहर निकल गया मैंने उन औरतों से मुखातिब होते हुए अंदाज में कहा अगर आप लोगों को मेरे थाने के अमले के किसी फर्ज से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे इसका अफसोस है मुझे उम्मीद है कि आप दरगुजर करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब अल्लाह रखी ने कहा मैंने आप जैसा मेहरबान और शरीफ पुलिस वाला अपनी जिंदगी में नहीं देखा आपने प्यार और मोहब्बत के साथ हमसे बातचीत की है आपके हवलदार ने भी पूछगिछ के दौरान हमारे साथ नरमी का बर्ताव किया है जबकि पुलिस वाले तो लात जूते की ज़ुबान में बात करते हैं और गालम गलोच जैसे उनकी घुटी में पड़ी होती है मुझे अपने मकसद में सौ फीसद कामयाबी हासिल हो गई थी मैं यही चाहता था कि ये औरतें थाने से खुश और मुतमईन होकर जाएँ और ये बात उनके जहनों पर नक्श हो जाए कि रुखसान और फरजाना के हवाले से मेरी तफ्तीश की गाड़ी अभी तक जीरो पॉइंट पर खड़ी है इलाबाजी में हामद अली खान को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ और उनसे मदद लेने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता यह दरक़ीकत हैर सगाली का एक ऐसा पैगाम था जो इन औरतों के जरिए गाजी नगर और फिर वहाँ से सीधा हामिद तक पहुँचना था मैं हामिद खान को अंधेरे में रख कर ही कोई कारनामा अंजाम दे सकता था अल्लाह रखी मैंने उसके तारीफ़ी कलमात के जवाब में कहा बस समझ लो कि जिस तरह एक हाथ की पाँच उंगलियां बराबर नहीं बिल्कुल वैसे ही तमाम पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं हो सकते जी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली उसी वक़्त हवलदार बरकत अली ने मेरे कमरे में आकर इतला दी मलक साहब तो यार है और इस वक्त बारिश भी रुकी हुई है मेरा ख्याल है इन लोगों को फ़ौर निकल जाना चाहिए तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है बरकत अली मैंने कहा तुम अपनी निगरानी में इन बीवियों को लेकर तांगे में बिठाओ और कोचवान को हदायत कर दो कि फर्दन फर्दन सब को उनके घर के दरवाजे के सामने उतारना है बरकत अली ठीक है मलक साहब कहते हुए उन्हें अपने साथ ले पाँच मिनट के बाद वो दोबारा मेरे सामने बैठा हुआ था उसने तारीफ़ी नज़र से मुझे देखा और गहरी संजीदगी से बोला बल्क् साहब आपने उन औरतों को जो भाषण दिया उसने बड़ा पक्का काम कर दिया हम जो कुछ करने जा रहे हैं इस हवाले से हामिद खान को जरा सा भी शक नहीं हो सकता ये बहुत ज़रूरी था बरकत अली मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा चालबाज लोगों से निपटने के लिए चालबाजी ही से काम लेना पड़ता है आगे क्या प्रोग्राम है उसने सवालिया नजर से मुझे देखा तुम्हारी मालूम के मुताबिक डेरे का निज़ाम कौन चलाता है मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा हवलदार से सवाल कर दिया और ये भी बताओ कि करहाने और डेरे के दरम्यान कितना फासला है डेरे पर हामिद खान के दो खास आदमी होते हैं जिनके नाम अरशद और फियाज हैं हवलदार ने बताया ये दोनों खान साहब की जरिए एराजी के मामला को देखते हैं अगर कोई शख्स कारहाना से डेरे की सिमत जाए तो लगभग दो मिनट में ये फासला तय किया जा सकता है गाजी नगर से निकलने के बाद सबसे पहले फलों के बघात आते हैं उसके बाद कारहाना फिर थोड़े फासले पर डेरा डेरा जमीन के अंदर बना हुआ है और कच्चे रास्ते के बिल्कुल नजदीक है और इसी कच्चे रास्ते के पहलू में नहर रवा दवा है मैंने पूरे सोच अंदाज में कहा जी बिल्कुल उसने इस बात में सर हिलाया हाँ मेरी बात गौर से सुनो बरकत अली मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा तुम्हारी तफ्तीश के नतीजे में रेहाना ने बताया है कि बकुआ के रोज छुट्टी से कुछ देर पहले अल्लाह रखन अमी कधेड़ उमर शख्स कारहाने के निगरान झूरा से मिलने आया था इसके बाद ही झूरा ने किसी जरूरी काम से रुखसाना और फरजाना को अपने पास बुलाया था इलावाजी न की जबानी तुम्हे पता चला है कि उसने छुट्टी के बाद रुखसाना फरजाना को एक साथ डेरे के सिमत जाते देखा यूँ समझ लो कि हमारे पास बकरे का गोश्त चावल नमक मिर्च और दीगर गर्म मसाला जात घी प्याज बर्तन चूल्हा पानी सब कुछ मौजूद है हमने इन चीज़ों का एक ख़ास तरतीब के साथ इस्तेमाल करते हुए खुश जायका गर्मा गर्म मटन पुलाव बनाना है मेरी बात तुम्हारे पले पड़ रही है ना बात के अहतम पर मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ़ देखा तो वो जोशीले अंदाज में बोला एक सौ एक फ़ीसद मनक साहब अगर आप कहें तो मैं अभी मटन पुलाव बना कर दिखाता हवलदार की जहानत को आजमाने का ये अच्छा मौका था मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा ठीक है बनाओ देखें जना वह ले मैं वजाद करते हुए बोला हम फर्ज कर लेते हैं कि फ्याज या अरशद ने या दोनों ने अल्लाह रखा को यह समझाकर झूरा के पास भेजा होगा कि आज यानी बकुआ की शाम फरजाना और रुखसाना को किसी भी तरह डेरे पर लाना है झूरा ने मजीद काम के बहाने कारखाने में काम करने वाली चालीस औरतों को मामूल के मुताबिक छुट्टी देकर दस को रोक लिया जिनमें फरजाना और रुखसाना भी शामिल थी जिन चालीस औरतों ने हसबे मामूल के वक्त पर छुट्टी की उनमें रुखसाना की माँ शहनाज और फरजाना की माँ सिया भी थी रुखसाना और फरजाना को अपने पास बुलाकर झूरा पहले ही उनके कान में कुछ फूक चुका था चुनाचा छुट्टी के बाद ये दोनों लड़कियाँ झूरा की हदाय के मुताबिक चुपचाप डेरे की जानव चल पड़ी थी डेरे पर पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ इस बारे में दुरुस्त अंदाजा लगाना मेरे बस की बात नहीं अलबत् इस बात का मुझे यकीन है कि रुखसान और फरजाना की मौत का डेरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है तुमने अपने अल्फाज में मेरी सोच की अक्का कर दी है क्या वाकई और बेयकीनी से मुझे देखने लगा हाँ मैंने जेरअला मुस्कुराते हुए सताइशी लहजे में कहा बरकत अली मेरी नजर में तुम एक जहीन और पुलिस अहलकार हो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब वर्ते जज्बा से मामूर आवाज़ में बोला आप बड़े प्राग दिल और सच्चे इंसान हैं वरना मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर्स को बहुत कम अपने जूनियर की तारीफ करते देखा और सुना है तुमने बुजुर्गो का ये फरमान तो यकीन सुन रखा होगा कि इज्जत करें करवाएं मैंने मतदल अंदाज में कहा यही फार्मूला इज्जत की तारीफ पर भी सादिक आता है मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स आपकी तारीफ करें तो आपको अपने जूनियर्स की तारीफ करने की आदत डालना होगी मैंने तो इसी असूल को अपना शुआर बना रखा है आपने मुझे बड़ी कीमती नसीहत किया की मलक साहब वताशा खुरा अंदाज में बोला मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा वेरी गुड मैंने कहा मेरी दुआ और कोशिश होगी कि जल्द ही तुम्हारी महकमा जाती तरक्की हो शुक्रिया मलक साहब उसने अकीदत भरे लहजे में कहा फिर पूछा क्या हम आज ही झूरा या लारका को उठा लें जब इन दोनों पर हम सख्ती करेंगे तो वो सच्चाई बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे फिर हमें यह जानने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि चार जुलाई की शाम पर रुखसान और फरजाना के साथ क्या वाक आया था हम जैसे ही झूरा अल्लाह रखा फयाज या अरशद पर हाथ डालेंगे हामिद खान को हमारी इस कार्रवाई की खबर हो जाएगी और मैं इस खेल को किसी कीमत पर बिगाड़ने के हक में नहीं हूँ तो क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें इस तरह की कोई बात नहीं है बरकत अली मैंने उसे अपने मंसूबे से आगाह करते हुए कहा कल का दिन हमने बिल्कुल खामोशी से गुजारना ताकि हामिद खान को यही तासर मिले कि थाना और के थाना इन दोनों लड़कियों की मौत से कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता इस दौरान में हम दोनों ने चंद अहम काम निपटाना है जिसकी जिससे इस केस पर हमारी गिरफ्त इतनी मजबूत हो जाएगी कि हामिद की ताकत इख्तियार और ताल्लुक बकौल शखी से हाथ मलते रह जाएंगे ऐसे कौन से हम काम है मलक साहब नंबर एक मुझे दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है मस्कुरा रिपोर्ट की रोशनी में एक मजबूत और मरबूत लाइ अमल तैयार करना होगा नंबर दो मैं कल सुबह एस साहब से मिलने जा रहा हूँ वो हमारी ही सोच के पुलिस ऑफिसर हैं कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एस साहब का एतम में लेना जरूरी है नंबर तीन कल का पूरा दिन तुमने मेरी गैर मौजूदगी में इस थाने को संभालना है और कांस्टेबल अशफाक पर कड़ी निगाह रखना है मेरी गैर हाजिरी के बारे में जो कोई भी पूछे तो तुमने यही बताना है कि मैं अपने किसी अजीज की शादी में शिरकत के लिए सरगोदा गया हूँ इससे महालफिन को यह पैगाम जाएगा कि थाना इंचार्ज मलक सफर हयात को रुखसान के केस से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है वो अपनी पेशा वारा जिम्मेदारियों को पसे पुस्त डालकर शादी की दावत उड़ाने सरगोदा चला गया अगर हमारे महालफिन इस डगर पर सोचेंगे तो इसका हमें बहुत फायदा हासिल होगा जबरदस्त व तोसीफ़ी अंदाज में बोला मलक साहब आपने कमाल का मनसूबा बनाया है इस मनसूबे पर कमा हक अमल दरामद के लिए मुझे तुम्हारी भरपूर मदद दरकार होगी मैंने कहा मैं कदम कदम पर आपके साथ हूँ मलक साहब वो पुरजम अंदाज में बोला हवलदार बरकत अली थोड़ी देर मेरे पास बैठ कर चला गया मगरिब से पहले कांस्टेबल वहीद की वापसी हुई वो सीधा मेरे कमरे में चलाया और थके हुए अंदाज़ में मुझे सलाम किया मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद पूछा क्या बात है वहीद तुम काफ़ी निढाल दिखाई दे रहे हो तुमने फरजाना की लाश को तो सरकारी अस्पताल पहुँचा दिया है ना जी मलिक साहब वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला परेशानी वाली कोई बात नहीं बस थोड़ी थकन महसूस कर रहा हूँ रात को आराम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा रुखसाना की लाश कब तक वापस मिलेगी मैंने पूछा रुखसाना का पोस्टमार्टम हो गया वहीद ने बताया मेरी बड़े डॉक्टर से मुलाकात हुई है वो कहते हैं आज फरजाना का पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और दोनों लड़कियों की लाशों और रिपोर्ट्स को कल सुबह हमारे हवाले कर दिया जाएगा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है कॉन्स्टेबल के आखिरी जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया मुझे किस लिए बुलाया रुखसाना के पोस्टमार्टम और तबी मुआयने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसका जिक्र वो सिर्फ आप ही से करना चाहते हैं कांस्टेबल ने बताया उन्होंने कहा है कि सुबह इंचार्ज साहब को अस्पताल भेजो मुझे उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि रुखसाना की मौत खुदकुशी से वाकया नहीं हुई इस बात का तो मुझे पहले ही शक बल्कि यकीन था कि रुखसाना ने खुद अपनी जान नहीं ली मेरे ऐसे ही ख्याल फरजाना की मौत के बारे में भी थे डॉक्टर मुझे कौन सी राज की बात बताने वाला था इससे मुझे गहरी दिलचस्पी थी यकीन ये कोई इन सनसनी खायज मामला था ठीक है वही तुम जाकर आराम करो मैंने सरसरी अंदाज में कहा कल सुबह के मामला मैं खुद देख लूंगा कल मुझे अपने एक अजीज़ की शादी में शिरकत के लिए सरगोदा जाना तो मेरे साथ जिले अस्पताल चलना मैं दोनों लड़कियों की लाशें तुम्हारे हवाले करके खुद सरगोदा जाने वाली बस में बैठ जाऊंगा ठीक है जनाब वो मजबूत लहजे में बोला मैं कल सुबह ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा ये जिस जमाने का जिक्र है उन दिनों पंजाब में शादियां दिन में हुआ करती थीं बारात की ज्यापत के लिए शानदार लंच का बंदोबस्त किया जाता था और सूरज गरूब होने से पहले दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंच जाया करता था वहीद के जाने के बाद मैंने बरकत अली को अपने पास बुलाकर ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और पूछा तुम्हारी नजर में कॉन्स्टेबल वहीद कैसा बंदा है वो मेरे सवाल की गहराई तक उतर गया जवाबन बोला मलक साहब वहीद पर भरोसा किया जा सकता है मेरा भी कुछ ऐसे ही मुशाह है मैंने तायदी अंदाज में गर्दन ही लाते हुए कहा कल जब वहीद दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम शुदा लाशें लेकर यहां पहुंचे तो तुम इब्राहिम और सिद्दीक को थाने बुलाकर ये लाशें उनके हवाले कर देना ताकि उन बदनसीबों की कफन दफन तो हो जाए बाकी मामला मैं वापस आकर खुद देख लूंगा समझ गया मलक साहब हवलदार ने पूरे लहजे में कहा मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैंने वहीद को भी यही बताया है कि कल मुझे एक शादी की तकरीब में शिरकत करने सरगुदा जाना मैंने कहा आप फिक्र न करे मनक साहब हवलदार ने ठोस में कहा थाने के मामला को मैं आपके हंस पे संभाल लूंगा बरकत अली की यकीन दहानी के बाद मैं मुतमिन हो गया आठ जुलाई ब रोज जुमेरा की सपहर में अपने सीनियर ऑफिसर उस इलाके के एस पी के ऑफिस में उनके रूबरू बैठा था मैंने अपना स्टिल कैमरा सब्ज के सैंपल्स और रुसाना फरजान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स उनके सामने रखते हुए नहायत ही मुतसर और जामे अल्फ में ने हालात की संगीनी से आगाह कर दिया तो हमारे बीच इन्तःाई गंभीर गुफ्तू का आगाज़ हो गया सफदर हयात हामिद खान के हवाले से हमें पहले भी ऐसी ही गैर तसली बख्श और तश्वीशनाक रिपोर्ट्स मिलती रही हैं लेकिन बदकस्मती से महकमा उस शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तदेबी या तजरी कार्रवाई नहीं कर रहा जिसका सबब तुम भी अच्छी तरह जानते हो सर एस पी ने लम्हाती तो किया तो मैंने दुखी लहजे में सिफसार किया क्या मैं उस थाना में बैठकर कानून की बेबसी और हामिद खान की गुंडागर्दी का तमाशा देखता रहूं हर किसरे वोटा लहजे में बोले तुम्हें बकायदा बताया नहीं गया लेकिन हकीकत यह है कि उस थाने में तुम्हारी तैनाती का सिर्फ एक ही मकसद है हामिद खान की सरकोबी और इस मिशन में मैं तुम्हारी पुस्त पर खड़ा हूँ मेरी जानब से तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है तुम्हें जो भी करना है कर गुजरो लेकिन एक बात जेन में रखना उन्होंने बात अधूरी छोड़कर सवालिया नज़र से मेरी तरफ़ देखा मैंने कहा हुम सर इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना वोटारे वे लहजे में बोला तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है मैं जानता हूँ हामिद खान के कमिश्नर और डी आई जी लेवल तक के ऑफिसर से दोस्ताना मुसिम है तुम्हें तो जो भी करना है बस दो तीन रोज में कर डालो अगर हामिद खान को तुम्हारे अजाम की भनक भी पड़ गई तो तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा मैं इन पौधों को लेबॉटरी टेस्ट और तुम्हारे कैमरे के फ़ोटोज़ को आज ही धुलवाने का बंदोबस्त कर दूंगा कल सुबह या दिन में तुम अपने किसी तुम अपने अमले के किसी बंदे को भेज कर यह चीज़ें मंगवा लेना थैंक यू सर मैंने ममनूनीत भरे लहजे में कहा मैं सिर्फ पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट्स और आपके ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा था अब ये दोनों चीज़ें मुझे हासिल हो गई हैं इन शाला आने वाले दो तीन रोज़ में हामिद हान और इसके मौमन कानून की आहनी असलाहों के पीछे होंगे सफ़दर हयात वो बोचल आवाज में बोले इन मासूम लड़कियों की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट्स पढ़कर तो मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा भी कर सकता एस पी साहब ने उस वक़्त सही मानों में मेरे एहसास की तर्जुमानी की थी फरजाना रुखसाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देख कर और डॉक्टर से बातचीत के बाद मेरा खून खोल उठा था आप भी अगर अपना दिल जलाना और ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहते तो सुन लें मैं नहायत ही मोहतातल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन मासूम लड़कियों पर गुजरने वाली क्यामत का अहवा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ

फरजाना की मौत छः और सात जुलाई की दरमिया रात वाक्य हुई थी और उसकी मौत की वजह थी सांस की आमद और शुद्ध का मुनता होना किसी शख्स ने गला दबाकर कर फरजाना को मौत के घाट उतार दिया था फरजाना की गर्दन पर पाए जाने वाले खरोंचों से साबित होता था कि कातिल के नाखून खतरनाक हद तक पड़े हुए थे सबसे ज्यादा जिगर सोज और दिलखराश हकीकत ये थी कि मुर्दा फरजाना के साथ तीन चार अफराद ने बेहसी और बगैरती का सलूक किया था किसी लड़की की लाश की ऐसी बेज़ती और बेहरमती कोई वैशी और दरिंदा सिफ इंसान ही कर सकता है जिसका जमीर जरा सा भी जिंदा हो वह ऐसे फेले बद का तस्वुर ही करके कांप उठेगा मुझे इंसानियत के दुश्मन उन्हीं हो खार भीड़ियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना था एस पी साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया सफ हयात उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा जाओ और अल्लाह का नाम लेकर अपने मिशन पर लग जाओ जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मैं फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं बात की बाद में देखी जाएगी मैंने तहे दिल से एस साहब का शुक्रिया अदा किया और उनके ऑफिस से निकल आया जब मैं थाने पहुंचा तो सूरज गरुब हो चुका था मैं जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठा हवलदार बरकत अली मेरे पास चला आया रश्मि के बाद उसने मुझे अपनी दिन भर की कार्यगुजारी की रिपोर्ट दी मैंने पूछा गाजीनगर की तरफ कोई हलचल दिखाई दी नहीं जना वहां सब अमन ओमान है उसने बताया मैंने दोनों लड़कियों की लाशों को उनके बुरसा के हवाले कर दिया था असर और मगरिब के दरमियान उनकी तदफीन कर दी गई है अशफाक ने किसी किस्म की फुर्ती दिखाने की कोशिश की नहीं मलक साहब वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला मैं तो कर रहा था कि वो फरजान और उसाना के जनाजे में शिरकत करने गाज़ी नगर का रुख करेगा लेकिन उसने और रफीक ने ऐसा कोई इरादा जाए नहीं किया हमारे टारगेट अफराद के बारे में तुमने जरूरी मालूम हासिल कर ली है वात में गर्दन हिलाते हुए बोला फयाज़ और अरशद हसपे मामूल आज की रात भी डेरे पर मौजूद होंगे कारखाना के सुपरवाइजर मंजूर उरफ झुरा के बारे में पता चला है कि उसकी रहायश उधर कारहाने के अंदर ही है और अल्लाह रखा का घर गाँव के किनारे पर वाक़ यानी जहाँ पर बाकात खत्म होते हैं और गाजी नगर की आबादी शुरू होती है गोया मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा आज की रात हमारे लिए बहुत ज्यादा मसरूफ़ साबित होने वाली है आप अपनी भी तो सुनाएं और पूरे इश्तिया नजर से मुझे देखते हुए बोला आपका दौरा कैसा रहा बहुत ही कामयाब और नहाय ही अफसोसनाक मैंने कहा मैं समझा नहीं मुलग साहब वह उलझन जदा लहजे में, में मुस्तफ़र हुआ मैंने मुतसर अल्फाज में उसे रुखसाना फरजाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और एस पी साहब से होने वाली अपनी मीटिंग के बारे में बताया मेरी बात के एहतराम पर वह दांत कचकचाते हुए बोला मल्ग साहब हमारे लिए आज की रात महज मसरूफ ही नहीं बल्कि इंतहाई मारामारी वाली भी साबित होने वाली है रुखसान फरजाना की बर्बादी और अमवात में जो जो भी दरिंदा शामिल रहा है उसको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाना हम पर वाजिब हो चुका है लम्हाती तो करके उसने एक बोझल सांसारिज की फिर मतलब जबजब -जब जब अंदाज में बोला एक बात की समझ नहीं आ रही मलक साहब कौन सी बात बरकत अली मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा दोनों लड़कियां चार जुलाई रोज इतवार छुट्टी के बाद लापता हुई थी वो अपनी उलझन को बयान करते हुए बोला रुखसाना की मौत पांच और छ जुलाई की दरमिया रात वाक हुई और फरजाना को और छत जुलाई की दरमिया रात मौत के घाट उतारा गया मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि चार जुलाई शाम से पांच जुलाई की रात तक ये दोनों लड़कियां लगभग चौबीस से तीस घंटे कहाँ रहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की रोशनी में इस दुरानी का कोई हिसाब नहीं मिल रहा ये सारे हिसाब हम उन्हीं कमीनों के अंदर से निकालेंगे बरकत अली मैंने जहर ख़ंद लहजे में कहा और वो भी कल का सूरज तल्ब होने से पहले क्योंकि कल तुम्हें एस पी साहब के ऑफिस जाकर सब की रिपोर्ट्स और उसके खेतों की तस्वीर भी उठाना है इस हवाले से मैंने तुम्हें अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है ना जी मनक साहब मैं अपनी ड्यूटी समझ गया हूँ वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला फिर कहा अब आप ये बताएं कि आज रात का क्या प्लान है क्या रफीक और अशफाक अभी थाने ही में है मैंने पूछा उन दोनों कांस्टेबल्स का ताल्लुक गाजी नगर से था हवलदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया जी मनक साहब वो इधर ही मौजूद हैं आज की रात इन लोगों का थाने में रहना ठीक नहीं मैंने गहरी संजीदगी से कहा मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारी कार्रवाई की हवा भी लगने पाए अशफाक तो पक्का पक्का हमद खान का बंदा है और हम रफीक पर भी भरोसा नहीं कर सकते ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे है मलक साहब वतायदी अंदाज़ में सर हिलाते हुए बोला ये दोनों अगर यहाँ रहे तो लाजमी हमारी टो में लगे रहेंगे इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा तुम उन्हें मेरे पास ले कर आओ मैंने कहा मैं करता हूँ इनका इंतज़ाम ओके मलिक साहब कहते हुए हवलदार मेरे कमरे से निकला और पांच मिनट के बाद वह अशफाक और रफीक को लेकर आ गया मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा एक इमरजेंसी का काम निकलाया और मैं समझता हूँ उसके लिए तुम दोनों ही नहायत मौजू हो तुम लोग थके हुए तो नहीं हो नहीं मलक साहब रफीक जल्दी से बोला आप हुक्म करें काम क्या है आज की रात जामनपुर में नहर के पुल पर पैरा देना है मैंने गहरी संजीदगी से उन्हें बताया मुझे इतला मिली है कि आज आधी रात के बाद किसी भी वक़्त गामा डंगर चोर उस पुल के ऊपर से लगभग सो मवेशी गुजारने वाला है जिनमें भैंसे घोड़े और दूसरे जानवर शामिल हैं ये सारे माल मवेशी चोरी के हैं गामा ही ने पुल के रास्ते नहर अबूर करवा कर कहीं बेचने ले जा रहा है अगर तुम दोनों पुल के नजदीक कहीं अंधेरे में घात लगाकर बैठ जाओ तो उस बदबहत मवेशी चोर गामा को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है अगर ऐसा हो गया तो उस कारनामे का सेहरा तुम दोनों के सर ही बंधेगा कर लोगे तुम लोग ये काम अपनी बात के हाथ में पर मैंने सवालिया नजर से बारी बारी उनके चेहरों पर नमोदार होने वाले तासुरत का जायजा लिया अशफाक ने जुरत मंदाना दास में कहा क्यों नहीं मलक साहब हम भला आपके हुक्म को कैसे डाल सकते हैं ये तो हमारे लिए बड़े फखर की बात है कि आप हमें इतना हम मिशन सौंप रहे हैं हम पूरी रात जा कर एकदम चुगन्ना रहकर ड्यूटी करेंगे शाबाश मैंने सताइशी नज़र से उनकी तरफ देखा बास तो फिर तुम दोनों सवारी का बंदोबस्त कर लो और जामनपुर की तरफ रवाना हो जाओ गामा मवेशी चोर के बारे में गुजशत रोज़ हवलदार ही ने मुझे बताया था गामा एक तजुर्बाकार मंझा हुआ डंगर चोर था आप उसे पेशावर कह सकते हैं वो ऐसी मनसूबाबंदी के साथ ढोर डंगर चुराता था

पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादा अपने प्राइवेट बाप हामिद अली ख़ान के वफ़ादार थे ऐसे कानून शिकन गदारों के साथ इसी नोत का सलूक होना चाहिए मलक साहब अशफाक और रफीक के जाने के बाद हवलदार बरकत अली ने हैरत भरे लहजे में कहा आपने तो कमाल कर दिया ऐसा शानदार मनसूबा इतनी जल्दी आपके जहन में आ कैसे गया क्या गामा डंगर चोर एक जीती जागती हकीकत नहीं है जी बिल्कुल है वो तस्दीकी लहजे में बोला मुझे उसके बारे में जो इतला मिली है क्या वो झूठी नहीं हो सकती मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा या फिर क्या गामा आज रात वाले प्रोग्राम में तब्दीली नहीं कर सकता ये सब एन मुमकिन है मलक साहब वो सर को इस बात की जुम्बश देते हुए बोला बस तो फिर तुम गामा शफफाक रफी को आज रात के लिए भूल जाओ मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने, अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए समझ गया मलक साहब वो खासी करारी आवाज़ में बोला इसके बाद हम दोनों अपने मनसूबे की जुजियात पर गौर फिकर करने में मसरूफ़ हो गए वो एक हफ्स जदा रात थी मैं और हवलदार बरकत अली अवामी लिबास में अल्लाह रखा के घर के सामने खड़े थे पूरे माहौल पर गहरे अंधेरे ने कब्ज़ा जमा रखा था और फिजा में सन्नाटे का राज था थाने से यहाँ तक हम एक तांगे पर सवार होकर पहुँचे जिसे हमने डेरे से थोड़े फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था हमने जो लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दिया था वो हमें अल्लाह रखा से झूरा और झूरा से डेरे तक ले जाता गोया गोया इस वक्त हम अपने पहले मोर्चे पर खड़े थे थाने से निकलने के लिए हमने बेहतरीन अमली अपनाई थी प्रोग्राम के मुताबिक मैं हसप मामूल अपने कमरे से उठकर क्वार्टर में चला गया था बरकत अली के अलावा कांस्टेबल वहीद फरीद फरीदैल और जाहिद को यही पता था कि मैं अपने क्वार्टर में आराम कर रहा हूँ और अब कल सुबह ही मैं थाने आऊंगा हवलदार ने प्रोग्राम के मुताबिक मेरे क्वार्टर पर आना था फिर हम दोनों ने चुपचाप अपनी मंजिल की जान रवाना हो जाना था और सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था थाने के मामला को हैंडल करने के लिए मैंने एक चाल चली थी मैंने कांस्टेबल वहीद को अपने कमरे में बुलाकर गहरी संजीदगी से कहा था वहीद मैंने नोट किया है कि तुम एक जिम्मेदार और मेहनती पुलिस अहलकार हो क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्वाहिश पैदा नहीं होती कि तुम्हारी भी तरक्की हो या सारी जिंदगी तुमने कांस्टेबल ही रहना है तरक्की की ख्वाहिश तो बहुत है मलक साहब वो इस तरहारी लहजे में बोला लेकिन ये मेरे इख्तियार में कहाँ है इख्तियार में नहीं है तो उसे इख्तियार में करने की कोशिश करो वो कैसे मलक साहब उस वक्त हम दोनों के सिवा कमरे में कोई और बंदा बशर मौजूद नहीं था मैंने टहरेवे लहजे में कहा देखो वहीद महकमा जाती तरक्की हो या कोई दूसरी कामयाबी ये चीज़ें इंसान को प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती इनके हसूल के लिए बड़ी जान तोड़ जदोजहद करना पड़ती है खुद को अहल साबित करना पड़ता है आप जो कहेंगे मैं करूँगा वो चटानी लेचे में बोला खुद को अहल साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा तुम्हें मुख्तलिफ़ुम की आज़माइशों से गुजरना होगा मैंने गहरी संजीदगी से कहा मैं तो तुम्हें सिर्फ मौका ही फ्राह्म कर सकता हूँ बाकी सब कुछ तो तुम पर ही मुनसर है आपने अब तक जो करने को कहा है मैंने पूरी तंदही से उसे अंजाम दिया है वो मज़बूत लहचे में बोला आइंदा भी आप जो हुक्म देंगे मैं करके दिखाऊंगा ठीक है आज मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ मैंने अंदाज़ में कहा अभी तो मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं हवलदार को तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूँगा रात किसी वक्त बरकत अली थाने से बाहर चला जाएगा और उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हें इस थाने के हवलदार का किरदार निभाना होगा कर लोगे ये काम मैं एकदम चाको चोबंद रहकर अपना फ़र्ज अदा करूँगा मनक साहब और बड़े फ़खर से बोला मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आप ही सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मोहतात किस्म की थानेदारी क्यों कर रहा हूँ मैं जिसको चाहूँ थाने बुलवा कर लात जूते से उसकी तोज़ा करूँ अगर वो ज़ुबान खोलने पर आमादा हो जाए तो ठीक वरना तफ्तीशी हथकंडों को आज़मा कर उसके तमाम जराम का इकबाल करा लूँ मैं क्यों डरी सहमी पेशबंदियाँ कर रहा हूँ मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ मेरी पुस्त पर कानून की पूरी मशीनरी मौजूद है मुझे मनमानी करने से भला कौन रोक सकता है आप इस अंदाज़ में सोचने में हक बजानब हैं लेकिन मैंने इस वाक्य को बयान करने से पहले ही आपको बता दिया था इस थाने का बाबा आदम ही निराला था तो वहां थानेदारी करने के लिए भी जरा वक्री टाइप के तौर तरीके अपनाने की जरूरत थी हामिद खान एक ऐसा खुखार और खतरनाक दरिंदा था जिसे अपने दाम में लाने के लिए मैंने हमरंगे जमीन जाल बिछा दिया था मलक साहब थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो जाएगी बरकत अली की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया वो कह रहा था अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए ठीक है तुम अल्लाह रखा को घर से बाहर निकालो मैंने फैसला कुछ लहजे में कहा हम उसे अपने साथ बाग में ले जाएंगे और वहीं पर उससे पूछताछ करेंगे अल्लाह रखा का घर गाजी नगर के किनारे पर वाक़ था और वहाँ से बागात का फासला चंद गज से ज्यादा का नहीं था आप थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाए हवलदार ने पुरजम अंदाज में कहा मैं अल्लाह रखा को लेकर आपके पास आता हूँ दस मिनट के बाद हम तीनों बाग के अंदर आम के उसी पेड़ के नज़दीक खड़े थे जिसकी एक तोाना शाख से फरजाना को लटका कर खुदकुशी का तासर उभारने की नाकाम कोशिश की गई थी मैंने जब अपना और हवलदार का तारुफ़ करवाया तो अल्लाह रखा की आंखों में दहशत उभर आई मैंने आम के पेड़ की जानब इशारा करते हुए सपाट आवाज़ में दरियात किया जानते हो इस दरहत की शाख पर किसकी लाश को लटकाया गया था सिद्दीक की बेटी फरजाना जी वह थूक निकलते हुए बोला अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार कर तुम्हें एक लाश में बदल दूँ और फिर तुम्हारी लाश को इसी पेड़ पर लटका दूं तो कैसा रहेगा मेरे अल्फाज में मौजूद संगीनी को भांप कर वो थर थर कांपने लगा लरजती हुई आवाज में बोला जनाब फरजाना की मौत से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आप मुझ पर शक ना करें मैंने उसके गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए सख्त लहजे में कहा ताल्लुक वास्ते के घोड़े मैं भला तुम पर शक कैसे ना करूं चार जुलाई की सपहर तुमने कारहाने में जाकर झूरा से क्या कहा था और सरकार मैंने तो सिर्फ फ्याज का पैगाम झूरा तक पहुंचाया था और मिन्नत रेज लहजे में बोला इसके सिवा मुझे कुछ पता नहीं आप चाहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ अल्लाह रखा की उम्र पचपन के करीब करीब थी उसकी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे अंधेरा होने के बावजूद भी मैं उसके चेहरे से छलकती परेशानी को बसानी देख और समझ सकता था अल्लाह रखा उम्मीद है तुम मुझे ज़ोर जबरदस्ती पर मजबूर नहीं करोगे मैंने व शगा में कहा इस वक्त तुम मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर हो मैं तुम्हारे साथ जो भी सलूक करूँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं है सुबह गांव वालों को किसी दरहद के साथ तुम्हारी लाश लटकी हुई मिलेगी और वो ये सोचकर चुप साध लेंगे कि तुमने खामोशी से बाग में आकर खुदकुशी कर ली है आप मेरी बात का यकीन करें थानेजाद साहब मैंने कोई जुर्म नहीं किया है वो रोहानसी आवास में बोला आप मुझसे जिस किस्म का ताउन चाहेंगे मैं करने को तैयार हूँ अल्लाह रखा की फरियादी बातों से मुझे सच्चाई टपकती महसूस हुई तहम मुझे बताओ वकुआ के रोज छुट्टी से दो घंटे पहले तुम फयाज का कौन सा पैगाम लेकर झूरा के पास पहुंचे थे वो पैगाम मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया था लेकिन मैंने उसे झूला तक पहुंचा दिया था और इस वक्त तुम अपने इलाके के थाना इंचार्ज के सामने खड़े हो मैंने कलामी करते हुए दुरुस्त लहजे में कहा लिहाजा फिलहाल तुम अपनी समझ बूझ को धनिया पिलाकर मस्त नींद सुला दो और बस मेरे सवाल पर ध्यान दो याद है ना मैंने तुमसे क्या पूछा है जी जी वो बड़ी तेज़ी में गर्दन को इस बात की जुम्बश देते हुए बोला फयाज ने मुझसे कहा था कि मैं झूरा को बता दूं आज दो का बंदोबस्त करना है मैं काफ़ी हद तक इस मोमे को समझ गया था लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह रखा से पूछा दो का बंदोबस्त से फयाज की क्या मुराद थी मतलब दो क्या मैं इस बारे में कुछ नहीं चाहता थानेदार था साहब वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला और झूरा ने दो का बंदोबस्त के जवाब में क्या कहा था कुछ नहीं अल्लाह रखा ने बताया सिर्फ इतना कहा है ठीक है तुम जाओ और मैं कारखाने से निकल आया था तुम इस खुशफहमी में नहीं रहना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूँगा मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए तुम्हें झूरा और फ्याज के पास लेकर जाऊँगा अगर तुमने मुझे किसी किस्म का कोई चक्कर देने की कोशिश की है तो अभी बताओ वरना बाद में अगर तुम्हारी कोई गलत बयानी मेरे इलम में आई तो मैं तुम्हारा बड़ा इबरतनाक अशर करूँगा थानेदार साहब वह भराई हुई आवाज़ में बोला मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहें मैं तैयार हूँ गाजीनगर से बाहर निकले तो फलों के बागात का सिलसिला शुरू हो जाता था उस वक़्त हम बाग के अंदर ही खड़े थे उन बागात के तताम पर वो कारहाना था जहां रुखसाना फरजाना अड़तालीस औरतों और, और लड़कियों के साथ काम किया करती थी मैंने अल्लाह रखा को हथकड़ी लगाई और मजकूरा कारहाने पहुंच गया मैं थाने से चार पांच अफराद की गिरफ्तारी का इंतजाम करके निकला था टॉर्च हथकड़िया और दीगर जरूरी सामान एक थैले में था जिसे मैंने हवलदार बरकत अली को थमा रखा था का गेट खुलवा कर हमें अंदर दाखिल होने में किसी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था था मंजूर उर्फ एक दराज कामत और और वाला शख्स उसने मुझे हवलदार को देखते ही पहचान लिया था हमारे साथ हथकड़ी लगे अल्लाह रखा को देख कर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और होशामद भरे अंदाज में बोला मलक साहब आप इस वक्त यहाँ मुझे हुक्म किया होता मैं खुद सुबह आपके पास थाने में हाजिर हो जाता मैं झूरा के मस्का पॉलिश और स्टाइल को अच्छी तरह समझ रहा था लिजा मैंने तन्जीआ लहजे में कहा झूरा तुम्हारा ये मालन नामा इतना साफ व शफाफ़ नहीं है कि दिन के उजाले में तुमसे कोई वन टू वन मीटिंग का अहतमाम किया जाता काले करतूतों का हिसाब किताब से रात ही में अच्छा लगता है झूरा ने हशमनाक नज़र से रखा की जानब देखा फिर मुझसे मुखातब होते हुए बोला मलक साहब आप हुक्म करें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ खिदमत तो हम तुम्हारी करने आए हैं झूरा बरकत अली ने कहर बारा अल्फाज में कहा फैसला तुम्हारे हाथ में है ज़ुबान की बात समझ जाओगे या मैं इधर ही तुम्हारा ट्रायल शुरू कर दूँ आप लोगों को मेरे बारे में किसी ने भड़का दिया है तुख में बद झूरा की बात मुकम्मल होने से पहले ही हवलदार ने उसके पेट में एन मुकाम नाफ़ पर एक जोरदार लात रसीद कर दी फिर गजब नाक लेजे में सफसार किया बताओ चार जुलाई की सपहर अल्लाह रखा तुम्हारे पास फ्यास का जो पैगाम लेकर आया था उसका मतलब क्या था यह मत समझना कि हमें कुछ मालूम नहीं हम तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहते हैं जब आप लोगों को सब पता है तो ओए खोते दे घर कानून के सामने जुबान चलाता है हवलदार ने एक मरदबा फिर उसकी बात काट दी और फुनकार से मुशाबे लेचे में काल लगता है शराफत की जुबान तुम्हारे भेजे में नहीं उतरेगी मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा तुमने अपना धाना ना खोलने का आजम कर ही लिया तो मुझे तुम्हारी जुबान से सच उगलवाने के बारे में सोचना पड़ेगा उधर बरकत अली की बात खत्म हुई उधर गाजीनगर की मस्जिद में फजर की अजान होने लगी और मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा देखो जूरा ज़ुबान तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगी अगर अपने बदन को टूट फूट से बचाना चाहते हो तो बंदे पुत्र की तरह बता दो कि अल्लाखा ने तुम्हें फ्यास का जो पैगाम दिया था उसमें दो का बंदोबस्त से उसकी क्या मुराद थी मुझे यकीन है ये इशारा दो लड़कियों की जानिब था मेरे आखिरी जुमले ने उसकी हालत तो गैर कर दी वह इन लम्हात में मुझे ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन की कैफियत में गिरफ़्तार दिखाई दिया मैंने उसकी हिम्मत पर एक और कारी जरब लगाते हुए कहा झूरा गाँव की मस्जिद में फ़जर की अज़ान हो रही है तुम्हारी किसी गलत बयानी या चक्करबाजी से मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ सोचना होगा कि अजान के वक्त अगर झूठ बोलोगे तो हवलदार की कड़ी तफ्तीश के नतीजे में हलाक होने के बाद में में जाओगे वो जरा सीमा लहजे लबकशा हुआ साहब आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है फयाज ने मुझसे दो लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहा था और मैंने रुखसाना फरजाना को डेरे की तरफ रवाना कर दिया था वहां उन लड़कियों पर क्या बीती इसमें इसमें मेरा कोई हाथ नहीं तुम्हारा हाथ कैसे नहीं है गलीज इंसान हवलदार ने उसकी पंडली के सामने वाले हिस्से पर तूफ़ानी ठुडा रसीद करते हुए जहरीले लहजे में कहा यकीन तुम पहले भी डेरे वालों के लिए इस नोयीत की खिदमत अंजाम देते रहे हो रुखसाना फरजाना की बर्बादी में तुम बराबर के हिस्सेदार हो मैं तुम्हें ऐसी मार मारूंगा कि जिसका तुमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा बात के पर हवलदार ने जूरा की नाक पर एक तूफानी टक्कर जड़ दी अगले लम्हे उसकी नाक से खून जारी हो गया हम इस वक्त अनाज से भरे हुए एक बड़े कमरे में ये तफ्तीशी सेशन चला रहे थे कमरे की दीवार में बने हुए ताक के अंदर एक दिया भी रोशन था जिसकी मदगूक लोह में झूरा का खून आलूद चेहरा बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था वह की फुनकार और मार खाने के बाद बरहमी से बोला जब मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो फिर मुझ पर तशद्द क्यों कर रहे हो उसका इशारा हवलदार की दस्तराजियों की जानब था लिहाजा जवाब में लिहाजा जवाब भी उसी ने दिया झूरा तुमने सिर्फ तशद का नाम ही सुन रखा है इसकी हकीकत क्या है इससे मैं तुम्हें रोशनास करवाऊँगा सवालत के जवाब तो तुम्हें हर हाल में देना होंगे ये मारपीट तो तुम्हारा बोनस है हामिद खान का माल हराम खाकर तुम पर अच्छी खासी चर्बी चढ़ गई है मैंने अपनी तफ्तीश के जरिए तुम्हारे वजूद में से दो कनस्तर चर्बी को पिघला कर निकालना है फिर इसे किसी साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को फरोहत करना है हवालदार की संगीन और खतरनाक बातों ने झूरा को दहला कर रख दिया वो दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत रेज लेचे में मुझसे बोला मनकस मैं सच कहता हूँ कि डेरे वाले मामला से मेरा कोई लेना देना नहीं

यह अल्लाह रखा का ब्राह रास्त कोई हाथ नहीं है लेकिन इस घनाव ने मकसद की तकमील के लिए तुम दोनों को इस्तेमाल किया गया और अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो सारी ज़िंदगी इसी तरह इस्तेमाल होते रहोगे फिर मैंने उन्हें रुखसाना और फजाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हवाले से मुतान बताया मेरी बात सुनकर उन दोनों की गर्दनें झुक गईं चंद लम्हा के लिए उस अनाज के गोदाम में मौत का सन्नाटा छा गया फिर अल्लाह रखा की पशेमानी भरी आवाज़ उभरी थानेदार साहब मैं भी झूरा की तरह कानून से ताउन करने का वादा करता हूँ आप मुझे भी माफ़ कर दें मैंने हवलदार को इशारा किया कि वो अल्लाह रखा की हथकड़ी खोल दे जब अरकत अली ने मेरे हुक्म की तामील कर दी तो मैंने झूरा और अल्लाह रखा को मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा ये तुम दोनों की माफ़ी का पहला और आखिरी मौका है इस मौके को ज़ाया नहीं करना ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा थानेदार साहब अल्लाह रखा ने तशाखुराना अंदाज में कहा झूरा बोला मैं भी आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मलक साहब ये बताओ मैंने एक फौरी ख्याल के तहत झूरा से पूछ लिया तुमने क्या कहकर रुखसाना और फरजाना को डेरे की तरफ़ जाने के लिए आमादा किया था मैंने उनसे कहा था कि उधर डेरे पर बड़े ख़ासा मौजूद हैं झूला ने जवाब दिया उन्होंने तुम्हें बुलाया व तुम दोनों की तनहा बढ़ाना चाहते हैं इसी सिलसिले में वो तुमसे बात करना चाहते हैं लिहाजा किसी और को तन में बढ़ोतरी वाली बात ना बताना वो दोनों खुश हो गई और उस रोज़ तुमने मजीद काम का बहाना करके दो दस औरतों को इसी मकसद के लिए कारने में रोक लिया था ताकि तुम रुखसाना फरजाना को डेरे पर जाने का कह सको क्योंकि उन दस औरतों में इन दोनों लड़कियों को भी शामिल करना था है ना वो नदामत भरे अंदाज़ में बोला जी मनक साहब समझ लो कि मैंने तुम दोनों की अब तक की सारी खताओं को माफ़ कर दिया मैंने बारी बारी उनके चेहरों के तसरत का जायजा लेते हुए दो टों अंदाज में कहा लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आज के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वफ़ादार रहेंगे और मैं जब भी और जहाँ भी किसी बयान के लिए उन्हें तलब करूँगा वो सारे काम छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे ठीक है मैं तुम दोनों के वादों पर भरोसा करके यहाँ से जा रहा हूँ मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा अब तुम भी अपने अपने ठिकाने पर आराम करो और इन सारी बातों को भूल जाओ तुम्हें तो बिल्कुल ये याद नहीं रखना कि मैं और हवलदार यहाँ आए थे और हमने तुम लोगों से किसी किस्म की पूछताछ की थी इसी परदादारी में तुम्हारी निजात और सलामती है मेरी बात इनकी समझ में आ गई और उन्होंने मेरी नसीहत को याद रखने और मेरी हदायत पर अमल करने का वादा किया मैं हवलदार के साथ कारखाने से निकल कर डेरे की जानी बढ़ गया वह सुबह शादी का वक़्त था मौसम खुशगवार नहीं कहा जा सकता था क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी कारखाने से उस डेरे तक पहुँचने में हमें दो से तीन मिनट लगे होंगे और इस कलील मुद्दत में हमारे बदन पसीने में नहा गए थे डेरे के दरवाजे पर पहुंचकर बरकत अली ने फैसला कुन लहजे में कहा मलक साहब यहाँ पर हमने उल्टा तफ्तीशी फार्मूला आजमाना है पूछे बिना ना रह सका ये उल्टा तफ्तीशी फार्मूला क्या होता है पहले हाथ पाओ का इस्तेमाल और सबसे आखिर में सवाल और जवाब वसन सुनाते हुए लहजे में बोला रुखसाना और फरजाना के दर्दनाक अंजाम के बारे में सोच सोच कर मेरा खून खोल रहा है अगर मैंने अपने हाथ पाओ की बेचैनी को नहीं निकाला तो इस दबाव के बायस मेरा दिमाग फट जाएगा मैं हवलदार की जहनी कैफियत को बहूबी समझ रहा था रुखसाना और फ़रज़ाना के मुजरिमों के हवाले से मेरा दिलो दिमाग भी गमो गुस्से से लबालब भरा हुआ था लेकिन मैंने अपने जज्बा को कमाल होशियारी से काबू कर रखा था मुझे बरकत अली का उल्टी तफ्तीश वाला मुतालबा सद फीसद जायज़ लगा लिहाजा मैंने साफल फाज में कहा जब उल्टा तप्तीशी फार्मूला इस्तेमाल करना है तो फिर दस्तक का तकल्फ़ क्यों किया जाए दीवार फलांगा और सीधा डेरे के अंदर फिर अल्लाह दे और बंदा ले हवलदार को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया हम दोनों ने डेरे की चार फिटी दीवार को बसानी फलांगा और बास्ते ही डेरे के वसी और रीस सैन में पहुंच गए डेरे के आखिरी हिस्से में बड़े साइज के तीन कमरे बने हुए थे जिनके सामने दो चारपाइयाँ पहलू बा पहलू बिछी हुई थी मस्कूरा चारपाइयों पर दो अफरा बेखबरी की नींद सो रहे थे वो यकीन फ्याज और अरशद ही थे मलक साहब आप अपना रिवालवर थाम कर तमाशा देखें बरकत अली ने जुनूनी अंदाज़ में कहा बाकी का काम मुझ पर छोड़ दें हाँ अगर इनमें से कोई फरार होने की कोशिश करे तो आप अपने सर्वस रिवॉल्वर के बल पर उसे रोक सकते हैं मैंने हवलदार बरकत अली को अपने दिल के अरमान निकालने के लिए आजाद छोड़ दिया वो किसी भूखे शेर के मानित उन पर टूट पड़ा एक तो वो दोनों गहरी नींद में थे कि ये उपताद उन पर टूट पड़ी दूसरे जब तक उनके दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल होते बरकत अली ने मार मार कर उन्हें लहू लुहान कर दिया था कबल इसके कि वो टूट फूट का शिकार होकर किसी बयान देने के भी काबिल न रहते मैंने हवलदार से कहा बरकत अली नाश्ता पानी काफी हो गया अब तुम इन्हें उल्टी हथकड़ी लगाकर कमरे में ले चलो बाकी की कार्रवाई वहीं पर करेंगे बरकत अली ने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी बरकत अली जुस्से भारी और गुस्से का हुखारी था उसके हाथ पाओ में बिजलिया सी भरी हुई थी मैंने पहली मरतबा उसे इन एक्शन देखा था उसकी जारहीत में बरसों की वो बेबसी और मजबूरी भी शामिल थी जो हामिद खान के असर और रसूख के बायस उसे झेलना पड़ी थी मेरी मैयत ने उसके हौसले और जवाब मर्दी के सारे बंद खोल डाले थे उसने फ्याज और अरशद को इतनी बेदर्दी से धोया था कि उनके मुंह नाक से खून छड़ा दिया था हम फयाज और अरशद को गिरफ्तार करने के बाद कमरे में लाए और पूछताछ का आगाज किया तो उन्होंने हमारी के रद्दमल का इजहार किया मेरे सवाल के जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने मुझे हामिद खान की ऊँची पहुँच और वसी तर इख्तियार धमकियाँ देना शुरू कर दी मलक साहब हवलदार ने हतमी लहजे में कहा इन दोनों खराब गाड़ियों को मरम्मत के लिए गिराज ले जाना पड़ेगा यहाँ मेरे पास वो औजार नहीं है जिनकी मदद से इनकी गूंगी जुबानों के कुफल खोले जा सके हवलदार का इशारा बहुत वाजिया था वो फ्याज और अरशद को थाने की मेहमान नवाजी का शरफ बख्शना चाहता था मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तायदी अंदाज में कहा बरकत अली तुम्हारा आइडिया दमदार है लेकिन डेरा छोड़ने से पहले हमें खाना तलाशी का काम निपटा लेना चाहिए बरकत अली ने मेरी बात से इतफाक किया और हम डेरे की चेकिंग में मसरूफ हो गए उस डेरे के पिछले हिस्से में कुल तीन कमरे बने हुए थे जिनमें से दो कमरे पहलू ब पहलू तमीर किए गए थे जिनकी पेमाइश पंद्रह ज़रब पंद्रह फिट थी जबकि तीसरा कमरा मुस्तील शक्ल का था जो एक साइड में बना हुआ था उसकी पेमाइश पंद्रह बाई तीस फिट रही होगी उस लबूतरे कमरे के अंदर किस्म के ज़री आलत और जानवरों का हुशक चारा भरा हुआ था दीगर दो कमरों में से एक में हमने फ्याज और अरशद को बिठा रखा था और दूसरे कमरे का दवाज़ा बंद था जब हमने मस्कूरा कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देख कर मेरी हैरत की इतहा ना रही उस कमरे में एक आलीशान और आरामदेह बेडरूम उस कमरे को एक आलीशान और आरामदेह बेडरूम कहा जा सकता था मदजा मुझे पता चला कि वह कमरा अहमद खान और उसके बेटे शाहजेब के लिए मखसूस था उन बाप बेटे में से अक्सर किसी को कुछ वक़्त डेरे पर गुजारना होता था तो वो इसी शानदार कमरे में क्याम करते थे डेरे के कोने कदरे खंगालने के बाद भी कोई ऐसी शह हमारे हाथ ना लगी जो किसी भी तौर इस केस में मुआवन साबित हो सकती चुनाचा हमने फ्याज और अरशद को तांगे में डाला और थाने आ गए जब हम थाने पहुंचे तो उजाला पूरी तरह फैल चुका था मलक साहब बरकत अली ने मुझसे कहा आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है मैंने चौंक कर उसकी तरफ़ देखा और कहा हाँ बोलो आप वही दिया किसी और को एस पी ऑफिस भेज दें उसने कहा मैंने पूछा तुम क्यों नहीं जाना चाहते मलक साहब पोहन भीज कर जखनी लहजे में बोला मेरे तस्वुर में रुखसाना और फरजाना के साथ पेश आने वाले शर्मनाक वाकई की फिल्म मुसलसल चल रही है मैं अपने दिमाग को जलता और एहसाब को चटकता हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं जब तक इन दोनों हरामजादों की ज़ुबान से इकबाल जुर्मना करवा लूँगा मुझे सुकून नहीं आएगा मैं बरकत अली की जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था लिहाजा मैंने उसे तफ्तीश की खुली छुट्टी दे दी इसके साथ ही मैंने वहीद को अपने कमरे में बुलाकर पूछा कैसी लगी हवलदारी? बहुत मज़ा आया मलक साहब उसने जवाब दिया अब हाजिर ड्यूटी हवलदार वापस आ गया लिहाजा मैं तुम्हें किसी दूसरे काम में लगाना चाहता हूँ मैंने उसके चेहरे पर निकाह जमाते हुए कहा क्या तुम हवलदारी करते करते ज़्यादा थक तो नहीं गए हो नहीं मलक साहब व नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए तबाना लहजे में बोला मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ बात तो सभी ठीक ठाक नाश्ता करो और एस पी ऑफिस रवाना हो जाओ मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा एस पी साहब तुम्हें जो कुछ भी दें उसे तुम बाफ़ात मेरे पास ले आना इसके बाद तुम्हारी पूरे चौबीस घंटे की छुट्टी जितना जी चाहे आराम करना कॉन्स्टेबल वही थे मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सैल्यूट करके कमरे से निकल गया मैं भी नाश्ता करने अपने क्वार्टर में चला गया पंद्रह बीस मिनट के बाद मैं यूनिफॉर्म पहनकर अपने कमरे में आया तो ट्रायल रूम की जानब से मुझे दो अफराद के चहने चिल्लाने और डकराने की आवाज़ें सुनाई दी मैं समझ गया कि बरकत अली ने अरशद और फ्यास की हाथीदारी शुरू कर दिए थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल जाहिद की मैयत में कॉन्स्टेबल रफीक और शफाक़ व नीलो ना मुराद मेरे कमरे में दाखिल हुए जाहिर है उन्हें कोई कामयाबी कैसे हासिल हो सकती थी मैंने उन्हें थाने से दूर रखने की खातिर गामा डंगा चोर का ड्रामा रचा कर मजा जामिनपुर रवाना किया था उन्हें हर कीमत पर खाली ही लौटना था मैंने थाने पहुँचते ही कॉन्स्टेबल जाहिद की ड्यूटी लगा दी थी कि वह थाने के दाहली दरवाजे पर मौजूद रहे जैसे ही रफ़ीक और अशफाक की वापसी हो वो उन्हें सीधा मेरे कमरे में ले आए मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों फयाज़ और अरशद को अंडर ट्रायल देखें भाई गामा तो बड़ा ही चलाक निकला उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने कह दिया मुझे शक है कि मेरे हमले में कोई गामा का जासूस मौजूद है जिसने गामा तक यह खबर पहुंचा दी कि आज रात उसे छापने का प्रोग्राम बनाया गया ये इतला मिलते ही उसने अपना मनसूबा बदल डाला और जामिनपुर की तरफ गया ही नहीं तुम दोनों नहर के पुल के नज़दीक बैठ कर रात भर गामा की राह देखते रह गए मेरा ये बयान सुनने के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था उन्होंने उलझन जदा नज़र से एक दूसरे की तरफ़ देखा फिर भैया को ज़ुबान होकर बोले हमारे अंदर गामा का जासूस कौन है वो जो कोई भी है बहुत जल्द उसका पर्दाफाश कर दूंगा मैं मैंने सरसरी अंदाज़ में कहा खैर मैंने आज सुबह ही सुबह रुखसाना फरजाना के मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया है कौन है वो अशफाक ने इसारी लहजे में बेसख्ता पूछा कबाल इसके कि मैं अशफाक के सवाल के जवाब में कुछ कहता हवलदार बरकत अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ अशफाक और रफीक़ पर निगाह पड़ते ही वो चौंक उठा फिर मुझसे मुखातिब होते हुए सपाट टेजे में बोला मलब साहब आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आए मैं आपको तन्हाई में कुछ बताना चाहता हूँ हवलदार के अंदाज़ में हर दर्जा तजासूस पाया जाता था अगर वो लैदगी में मुझसे कुछ कहना चाहता था तो चंद लम्हात के लिए अशफाक और रफीक़ को कमरे से बाहर भेजा जा सकता था लेकिन उसने मुझे बाहर बुलाया था इसका एक ही मतलब था कि वो मुझे कोई ऐसी सन्सनी ख़्ज खबर सुनाने वाला था जो रफ़ीक या अशफाक या फिर दोनों से उसका गहरा ताल्लुक था मैं रफीक और अशफाक को कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर निकला बरकत अली ने का जीब हरकत की उसने बड़ी तेज़ी के साथ की अंदाज़ में मेरे कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी थी बस सकता मेरे मुंह से निकला तुमने उन्हें अंदर क्यों मत कर दिया मलक साहब वह सरसराती हुई आवाज़ में बोला अशफाक को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा मैं समझा नहीं मैंने उलझन सदा लहजे में पूछा आखिर तुम क्या ना क्या चाह रहे हो रुखसाना को जिंदा हालत में और फरजाना को मौत के घाट उतारने के बाद जिन चार पांच अफराद ने पामाल किया था उनमें यह दरिंदा अशफाक भी शामिल था हवलदार ने दांत कचकचाते हुए बताया मैंने फार्मूला नंबर तीन सौ सैंतालीस का इस्तेमाल करके फयाज़ और रशद की जुबानें खुलवा ली हैं वो अपना बयान हल्फी लिखवाने को तैयार है उन्होंने ही मुझे अशफाक के बारे में बताया फार्मूला तीन सौ सैंतालीस इस कमीने का इंतज़ार करा आप उसे मेरे हवाले कर दें ताकि मेरी रूह को करार आ जाए फार्मूला थ्री फोर सेवन हतरनाक मुजरमों की रूह से जी तफ्तीश मुजरिम की शर्मगा में तफ्तीश जरूर है लेकिन इसे फयाज और अरशद जैसे इन मदूद चंद मुजरमों पर इस्तेमाल किया जाता था जो इंसान की खाल के अंदर भीड़िए की खसलत के खामिल हों तुम तो अशफाक को हथकड़ी लगाकर हवालात में डाल दो मैंने पुलिस यूनिफॉर्म के तकदस का एहसास करते हुए कहा इसके बाद हम फयाज़ और अरशद के बयान कलमबंद करेंगे सबसे आखिर में हम अशफाक से पूछताछ करेंगे अगर उसने अपने जुर्म का कबूल करने में कोई फनकारी दिखाने की कोशिश की तो बेशक मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा बरकत अली चंद लम्हा तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखता रहा फिर इस बात में गर्दन हिलाते हुए उसने मेरी तजवीज़ से तफाक़ कर लिया अशफाक को जब मालूम हुआ कि फ्याज और अरशद की ज़ुबान रवा करने के लिए फार्मूला थ्री फोर सेवन इस्तेमाल किया गया तो उसके होश उड़ गए हवलदार ने उसे दोनों मुतासरीन की हालत का मुशाह भी करा दिया था इस इबरतनाक मंजर को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दी गई और उसने बेचूचरा अपने जुर्म का इकरार कर लिया इन तीनों शैतानों के बयान का खुलासा कुछ इस तरह है चार जुलाई की शाम हामिद खान के एक दोस्त सुल्तान ने सब का सौदा करने डेरे पर आना था उसी की अजाशी के लिए हामिद खान ने फयाज और अरशद के तवसु से दो लड़कियों का बंदोबस्त कराया था लेकिन शाम से थोड़ी देर पहले हामिद खान को इतना मिली कि सुल्तान चार की बजाय पांच जुलाई को डेरे पर आएगा हामिद खान ने फयाज़ और अर्शद को हुक्म दिया कि दोनों लड़कियों को डेरे पर ही कैद करके रखो और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए अलगरज़ पाँच जुलाई की शाम सुल्तान हामिद खान से कारोबारी मुलाकात करने डेरे पर पहुंचा। प्रोग्राम के मुताबिक जब लड़कियों को सामान अयाशी के तौर पर मेज़बान और मेहमान के सामने पेश करने का वक्त आया तो फ़रजाना ने इस खेल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया फरजाना को कैद में डाल दिया गया और हामिद खान और सुल्तान नुकसाना की इज्जत को तार तार करते रहे फिर जब सुल्तान डेरे से रुखसत हुआ तो रुखसाना को फयाज और अरशद के हवाले कर दिया गया फ्याज ने हामिद खान से पूछा फरजाना का क्या करना है वो तो टस से मस नहीं हो रही हामिद खान ने जवाब दिया उसे अभी डेरे पर ही कैद करके रखो उसकी किस्मत का फैसला मैं कल करूँगा मेहमानों और मेज़बान के जाने के बाद फयाज और अरशद वैशी दरिंदों की तरह रुखसाना पर टूट पड़े थोड़ी देर बाद अशफाक डेरे पर पहुंचा तो वो भी बहती गंगा में कूद पड़ा उस रात रुखसाना की बेबसी पर ना तो आसमान टूट कर गिरा और ना ही ज़मीन शक हुई खूनी बेड़ियों के म्मों सितम की ताब ना लाते हुए रुखसाना अपने हाल के हकीकी से जा मिली सुबह से पहले उन इंसान नुमा दरिंदों ने रुखसाना की लाश को नहर बुरद कर दिया नहर में फेंकने से पहले उन्होंने रुखसाना की लाश को उसके लिबास का कफन पहना दिया ताकि ये खुदकुशी का वाक्य लगे इसी अफरा तफरी में फरजाना का दुपट्टा रुखसाना के साथ चला गया था आइंदा रोज़ फयाज ने हामिद खान को रिपोर्ट दी और फरजाना के बारे में दोबारा पूछा हामिद खान ने कहा तुम उस लड़की को समझाने की कोशिश करो अगर वो मान जाती है तो मुझे इतला दे देना मैं डेर पर आ जाऊँगा अगर वो किसी भी तरह राज़ी नहीं होती तो गला दबा कर उसका काम तमाम कर देना और उसकी लाश को कहीं टांग देना ताकि सबको यही लगे कि ये दोनों लड़कियाँ बहुत किरदार थीं एक ने नहर में कूद कर अपनी जान दे दी और दूसरी ने खुद को फांसी लगा ली फ्याज़ और अरशद ने हथियलमकान कोशिश की कि किसी तरह फरजाना बदकारी के लिए आमादा हो जाए मगर वो किसी मजबूत चट्टान के मानित इन हवस जदों के सामने डटी खड़ी रही बिलाहर फयाज़ ने अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक गला घूट कर फज़ाना को मौत के घाट उतार दिया फरजाना ने अपनी इज्जत की हिफाज़त करते हुए जान दे दी थी वो सही मानों में एक शहीद के मुक़ाम पर फॉज हो गए लेकिन ये बताते हुए मैं बेहद शर्मसार हूँ कि में से कुछ ऐसे इंसान शैतान भी मौजूद हैं जो शहीदों की लाशों को भी अपनी हवस का निशाना बनाते हुए अपनी बेजमीरी के आलमी रिकॉर्ड कायम कर देते हैं उन तीन गलीज और बदबूदार हैवानों के हल्फिया बैनात ने मेरे हाथ इतने ज़्यादा मज़बूत कर दिए थे कि मैं हामिद अली ख़ान को गाजीनगर की गलियों में खसीटते हुए अपने थाने की हवाला तक ला सकता था सोने पर सुहागा यह कि के, के वक्त कांस्टेबल वहीद एसपी ऑफिस से वापस आ गया अब सब्स परी के खेतों की तस्वीर और उस नशीले पौधे की लिबार्टरी रिपोर्ट भी मेरे हाथ में आ गई थी और ये बताती थी सब्स परी के पत्तों में एक सरी असर नशीली शह पाई जाती है ये केमिकल फार्मूले के लिहाज से मारफिन के बहुत करीब था मैंने उस दिन का सूरज गरूब होने से पहले हामिद अली खान को गिरफ्तार करके हवालात में पहुंचा दी और आइंदा रोज उसकी निशानदेही सुल्तान को मोजा ज़फ़रवाल से गिरफ्तार कर लिया रुखसाना फरजाना की बर्बादी वाले घिनौने खेल के पांचों किरदार मेरी कस्टडी में आ गए थे इस मौका पर हामिद खान ने मुझे ख़तरनाक धमकियाँ भी दी सफदर हयात तुम ये ठीक नहीं कर रहे उसने सुलगते हुए लहजे में कहा तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है मैंने देखा रस्सी जल गई थी मगर उसके बल नहीं गए थे मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तुर्की बा तुर्की कहा हामिद खान मैं तुम्हारी पहुंच को अपने जूते की नोक पर मारता हूँ बाकी जहाँ तक मेरे अच्छा या बुरा होने का मामला है तो ये सब माले कार हैं मालेकार उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा हाँ मालेकार यानी करनी का फल मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा इंसान जो बोतता है वो बिलाकर एक रोज़ उसे काटना भी पड़ता है फारसी में इसके लिए खूबसूरत मुहावरा भी है चाकन क राचा दरपेश मतलब बुराई करने वाला एक दिन खुद बुराई का शिकार हो जाता है वो मुझे खूहार नजर से घूरने लगा जैसे मुझे कच्चा चबाने का इरादा रखता हो लेकिन मैं तीन दिन की कड़ी दौड़ धूप के बाद उसे उसके इरादों से इतनी दूर ले आया था कि जहाँ उसकी बेबसी और लाचारी दीदनी थी